Okay, so hello and welcome. Welcome to this class of complex numbers, right? So just to give you a brief idea कि आप क्या expect कर सकते हैं complex numbers के बारे में, कितनी problems आप expect करेंगे, right? हम आगे करें उससे पहले कुछ, तो आप क्या expect कर सकते हैं complex numbers के बारे में? One problem in each paper, नहीं? एक प्रॉब्लम एक पेपर में आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या इतना तो आप एक्सपेक्ट करेंगे। एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस चैप्टर इज नॉट डिफिकल्ट, ये चैप्टर तो मुश्किल है नहीं। अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है तो आई विल से कि इस क्लास को बार बार रिवाइज कीजिएगा। आई एम होपिंग कि आपको ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा, बिकॉज इसमें कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, बहुत कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। अगर आपने उन सबको मास्टर कर लिया, ऑफ कोर्स नहीं, अगर मैथमेटिक्स में सिर्फ टेम्पलेट जैसी प्रॉब्लम्स आने लगे तो मैथमेटिक्स बहुत ही डल एंड बोरिंग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मतलब, फिर तो बचा गया मैथ्स में, कुछ नया करने का स्कोप बचेगा ही नहीं, राइट? बट फिर भी मैं कहूंगा कि जे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास, राइट? एंड देयरफॉर आप उनको आराम से कर लेंगे। I'm so hoping so, right? Okay, so let's now that we have introduced, I've told you about the scope of the chapter कि एक प्रॉब्लम आएगी, कर ही देना उस प्रॉब्लम को, आसान सी होती है प्रॉब्लम जनरली। Now let's come to the general contents. पहले हम क्या देखने वाले? IOTA का introduction, definition, representation, फिर हम देखेंगे complex numbers as vectors और उसपे triangles, inequalities पे बेस problems, De Moivre's theorem and Euler's formula, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड रूट्स ऑफ यूनिटी, रोटेशन एंड लोकाई प्रॉब्लम। इतना फंडामेंटली इतनी चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, उसके अलावा जनरली मेंस में प्रॉब्लम आपके आपसे नहीं पूछी जाएगी, राइट? ओके, शुरू करते हैं फिर इंट्रोडक्शन। सो वी बिगिन विद डेफिनेशन। आयोटा कैसे डिफाइन किया आपने? आयोटा आपने डिफाइन किया स्क्वायर रूट ऑफ -1, राइट? सो आयोटा आपने डिफाइन किया स्क्वायर रूट ऑफ -1 व्हिच इज हियर, राइट? और फिर उसके बाद क्या किया आपने? आयोटा स्क्वायर डिफाइन किया। व्हाट्स आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर इज आयोटा रूट अंडर -1 का स्क्वायर व्हिच इज -1, राइट? ग्रेट। आयोटा क्यूब क्या डिफाइन किया? आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या था? -1, सो दिस इज -i। आयोटा की पावर 4 क्या डिफाइन किया? 1, बिकॉज़ इट्स आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर व्हिच इज 1, -1 इनटू -1 इज 1। आयोटा का पावर 4 की क्या होगा? k इज एन इंटीजर, तो इट्स आयोटा की पावर 4 की पावर के, ऑब्वियसली व्हाट्स आयोटा की पावर 4? 1, तो फिर आयोटा की पावर 4 के इज 1। सिमिलरली आयोटा की पावर 4 के प्लस 1 कॉमन लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 के व्हिच इज 1 इनटू आयोटा, देयरफॉर दिस नंबर इज आई। सिमिलरली आयोटा की पावर 4 के प्लस 2 इज -1 एंड आयोटा की पावर 4 के प्लस 3 इज -i। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे डिफाइन करते हैं? तो लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। जी क्या है आपके पास? ए प्लस आयोटा बी है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू रूट अंडर -1। तो आप जी को क्या बताते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? सो व्हाट्स ए कॉल्ड? ए को कहते हैं क्या? जेड का रियल पार्ट और रियल पार्ट ऑफ जी। व्हाट्स बी कॉल्ड? इट्स कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, राइट? नाउ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल, और इसको मैं ऐसा कर दूं, ये जो मैंने इफ इफ लिखा है, ये जो मैंने इफ इफ लिखा हुआ है, इसको मैं आई डबल इफ कर दूं, उस इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ इट्स इमेजिनरी पावर इज जीरो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब हो जाएगा? जब उसका इमेजिनरी पावर जीरो हो जाए, मतलब बी जीरो हो जाए। इसके मतलब रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ऑफ कोर्स। व्हाइल इट्स प्योरली इमेजिनरी, ये रियल नंबर प्योरली, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा कब? जब उसका रियल पार्ट जीरो हो जाए। यहां पे मैं कर देता हूं इफ, अगर ए जीरो हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी ऑल इमेजिनरी। तो जीरो इज रियल एज वेल एज इमेजिनरी बाय दैट डेफिनेशन, राइट? ओके, अ कॉम्प्लेक्स नंबर जी इज इक्वल टू ए प्लस आर टू बी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप? कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट से, कौन से पॉइंट से? ए कॉमा बी। तो जी इक्वल टू ए प्लस आर टू बी इज सिंपली अ पॉइंट इन द ऑर्गन प्लेन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसका एक्स कोऑर्डिनेट इज ए एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज बी। complex numbers can be excuse me treated as points, right?
if a plus r of b is equal to a prime plus r of b prime, then a is equal to a prime and b is equal to b prime, obviously. Because a plus r of b, abhi aapne bataya, kuch represent karta hai. Kya represent karta hai? Ek point. Point jiske x coordinate kya hai a, y coordinate kya hai b. So a prime plus r of b prime kya represent karega? Ek dusra point, jiske x coordinate kya hai a prime aur y coordinate kya hai b prime. अब सोचिए ये क्वेश्चन तो यही कह रही है ना कि दो पॉइंट्स कोइंसाइड कर गए इज इक्वल है तो दो पॉइंट्स कोइंसाइड कब करेंगे जब उनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल हो जाए राइट सो व्हिच इज ए इज इक्वल टू ए प्राइम एंड बी इज इक्वल टू बी प्राइम आर वी क्लियर ग्रेट एक छोटा सा डायग्राम भी बना देता हूँ सो ये है आपके पास ये है कोई पॉइंट ए कॉमा बी दैट्स योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स नंबर ए प्लस आर बी और जी अगर a plus r b है तो modulus of z is defined as root under a square plus b square. Modulus of z कैसे define किया root under a square plus b square. आपको दिखता है इन दोनों points के बीच का distance is mod of root under a square plus b square, right? तो geometrically mod z क्या represent करता है? It represents the distance between z and origin or the distance of z from origin. याद रखिएगा, this is an important point. हम geometrically जब problems को solve करेंगे फैक्ट यूज करने वाले दैट मॉड ऑफ जी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड ओरिजिन इन जनरल मैंने लिखा नहीं है मैं बोल रहा हूं याद रखिएगा दैट मॉड ऑफ जी वन माइनस जी टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन जी वन एंड जी टू जो मॉड ऑफ जी वन माइनस जी टू है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं जी वन और जी टू के बीच का डिस्टेंस कन्विंस याद रखिएगा ओके नाउ ऑब्वियसली यहां पे वाला ऑब्वियस ऑब्वियस है Unlike last class, वाला obvious, इतना obvious नहीं था वो. Check कर लीजिए कि जो z का real part होगा a और imaginary part होगा b. It lies between root under a square plus b square to minus of root under a square plus b square. Fair enough. Conjugate of complex numbers कैसे define करते हैं? Z अगर a plus r of b है, तो z conjugate आप define करते हैं z bar a minus r of b. मतलब आपने real part z का वैसे ही रहने दिया a और imaginary part का क्या कर दिया? Negative बना दिया. Is that okay? Great, moving on. So, in dono ko add kar doge, to kya ho jayega aapke paas? Real part of z is z plus z conjugate by 2. And imaginary part of z is, subtract kar diya in dono ko, to b aa jayega aapke paas. Z minus z conjugate 1, 2 iota. Is that okay? Great. Ab soche ki ek complex number purely real kab ho jayegi, jab uska imaginary part kya ho jayega? 0 ho jayega. Imaginary part 0 ho jayega means z is equal to z conjugate ho jayega, right? Great. एक कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर प्योरली इमेजिनरी कब हो जाएगी आपने क्या बताया था जब उसका रियल पार्ट जीरो हो जाए का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास रियल पार्ट जीरो हो जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो जाए प्योरली इमेजिनरी हो जाए ये कब प्रूव हो जाएगा आपके पास जब इसका रियल पार्ट जीरो हो जाए इसका रियल पार्ट जीरो कब हो जाएगा जब जी प्लस जी conjugate is zero or z is equal to minus z conjugate. Clear hai baat? Great. Aage karte hain. Ab dekhiye ek hum property pe aa rahe hain complex numbers ki jiske significance ko main overstate nahi kar sakta. Overstate nahi kar sakta ka matlab main iske significance ko aapko bata nahi sakta ki ye property kitni important hai. Bahut hi important property hai ye. And this property is that mod of z square is z into z conjugate. Right? A complex number ke mod ka square is equal to that complex number into its conjugate. Okay. Ab isko kahan pe use karenge? Mark my words, kin problems we use karte hain? Agar aapko koi problem dikhti hai, jisme complex number involved hai, uska modulus involved hai, aur uska reciprocal involved hai, aap as a rule of thumb, aap ye formula use kar dena. In general, right? Don't hold it against me ki agar 1% problem mein ye formula use nahi karke aap kuch geometry se kar le no that's not the case main but ye kahunga ki agar aapke paas ek problem hai jisme complex number involved hai uska modulus involved hai aur uska conjugate involved hai ya uska reciprocal involved hai go for this formula yaad rahegi baat great moving on next we define argument of a complex number hum define karte hain argument of a complex number क्या होगा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज द एंगल विद द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिख देते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखो जैसे अभी आपने देखा क्या ये पी एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जो पॉइंट ए कॉमा बी था
आपने एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया ओरिजिन से, ऐसे कुछ रेडियस वेक्टर होगा राइट। आपको दिखता है ये रेडियस वेक्टर जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बना रही है थीटा राइट। तो दिस एंगल थीटा इज सेड टू बी द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इज दैट ओके? ग्रेट। अब इसको हम बिल्कुल थियोरेटिकली अब डिफाइन कर लेते हैं। जब हम एक बार समझ लेते ज्योमेट्रिकली एंगल थीटा क्या है, सिंपली थीटा क्या है, रेडियस वेक्टर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल राइट। ग्रेट, मूविंग ऑन। z क्या है अगर आपके पास a प्लस आ तो b, और थीटा अगर आपके पास सैटिस्फाई कर रहा है इन दोनों इक्वेशन को, cos theta = a upon root under a square plus b square एंड sin theta = b upon root under a square plus b square simultaneously, तो फिर आप उस थीटा को क्या कहते हैं, द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आर यू क्लियर? इतना मुश्किल थोड़ी है, देखना क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ, दिखता आपको ये a हो गया। आइडियली मुझे लिखना चाहिए मॉड ऑफ a, बिकॉज हमें नहीं पता a पॉजिटिव है या नेगेटिव है राइट। ये b है, आइडियली लिखना चाहिए मॉड ऑफ b। आपको दिखता है इस ट्रायंगल में sin theta is equal to cos theta is equal to a upon root under a square plus b square and sin theta is equal to b upon root under a square plus b square राइट। ग्रेट, मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। अब आर्गुमेंट ऑफ जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम डिफाइन करते हैं इस रीजन में, लाया करता हूँ बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम यूज करेंगे। वो अक्सर पूछते हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल के बताओ क्या होगा, माइनस पाई से पाई के बीच का एंगल लाई करने वाला ही जो एंगल होगा वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आप समझ रहे हैं ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं ऑब्वियसली, तो उसमें से कौन सा चूज करेंगे, वो चूज करेंगे जो इस रीजन में लाया करता है, और उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ग्रेट। अब देखिए, इट सेज आर्गुमेंट ऑफ ओरिजिन इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली क्यों, ओरिजिन इज 0 प्लस 0 आयटर राइट, है ना। अच्छा देखो, अगर ए भी 0 हो गया और बी भी 0 हो गया, तो आप मेरे से अग्री करते हो इस फॉर्मूले में, देखो ए भी 0 है और बी भी 0 है, क्या डिनोमिनेटर 0 हो गया, क्या डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो आप अग्री करते हो ना कि ये डिफाइन नहीं होने वाला है फिर, नहीं बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो जाता तो कोई रेशियो डिफाइन नहीं होता राइट। ग्रेट, मूविंग ऑन। ये तो था आपके पास कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। अब हम आ जाते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन और पोलर रिप्रेजेंटेशन पर। एक बार देखिए, z को आपने लिखा a प्लस r / इसमें रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, कर दिया, इज इट रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस iota टाइम्स b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस, अब ये तो क्वांटिटी आप जानते हो क्या लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, इट्स द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी क्वांटिटी आपने कुछ डिफाइन की है, क्या डिफाइन की है, cos theta, देखो प्रीवियस पेज से cos theta राइट, और दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, sin theta। तो इज इट cos theta प्लस sin theta, जहां पे theta क्या है, theta इज द आर्गुमेंट, ठीक, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या, सिंपली मॉड ऑफ z टाइम्स cos theta प्लस sin theta। क्लियर है? ग्रेट, मूविंग ऑन। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो हमने डिफाइन किया शुरू में, z1 plus minus z2 plus minus z3 all the way up to plus minus zn is equal to z1 ka conjugate plus minus z2 ka conjugate plus minus zn ka conjugate all the way up to plus minus zn ka conjugate. Simple terms mein, the conjugate of sum is equal to the sum of conjugates. Right? The conjugate of sum, matlab bade sare complex number ke unka sum ka conjugate kya ho jayega? The sum of conjugates, matlab unke conjugates ka sum. Clear hai baat? Great. z का कॉन्जुगेट लिया, फिर उसका कॉन्जुगेट लिया, वो क्या आ जाएगा, z। ग्रेट, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, z1 z2, फिर उसका कॉन्जुगेट लिया, इट्स एज गुड एज z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ग्रेट, मूविंग ऑन। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z कॉन्जुगेट। ठीक है, ज्योमेट्रिकली आप समझ सकते हैं क्यों, क्यों मॉड ऑफ z क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो आप अग्री करते हो जितनी z की डिस्टेंस होगी ओरिजिन से उतनी माइनस z की होगी, होगी ना। ग्रेट, फाइव प्रॉपर्टी तो हम डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं कि कहां पे यूज करनी। ग्रेट, मूविंग ऑन। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम्स पे। सो वी टेक अ फर्स्ट प्रॉब्लम, आई ये जाएगी वही तो करने वाले राइट। तो देखिए, अदे ये रखा है कि अदे इज इक्वल टू x + y, अब क्या इक्वल है x + y के, तो मैं डिटरमिनेंट बना देता हूं, 6 आयोटा 3 आयोटा एंड 1
4 iota, 20 and 3 iota and 3 and minus 1 and iota. And this is equal to x plus iota y. क्या कर सकते हैं? ये देखो, एक जो मुझे बात समझ में आती है कि एक चीज तुम ये कर सकते कि पूरा एक्सपैंड कर दो डिटरमिनेंट को, नहीं आई जाएगा आंसर, नहीं बट सोफिस्टिकेटेड नहीं होगा, बट आ तो जाएगा, राइट? अच्छा, मतलब वो तो मेथड हमेशा अवेलेबल है हमारे पास, बट हम कुछ और ट्राई करते हैं कि कुछ और किया जा सकता है क्या. मतलब मैं देखता हूँ ध्यान से सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखती है मुझे. देखता है यहाँ माइनस थ्री आउट है सेकेंड कॉलम, यहाँ थ्री आउट है, यहाँ थ्री है, मुझे थ्री का फैक्टर दिखता है, नहीं, और यहाँ पे थर्ड कॉलम में मुझे वन का फैक्टर दिखता है. अब फिर मेरे दिमाग में आ रहा कि कुछ ऐसा तो नहीं कि किया जा सकता है इसमें. तो ऐसा हम अगर करें कि सेकेंड कॉलम से थ्री माइनस थ्री आउट बाहर पुल करें, देखिए मैं पुल कर रहा हूँ माइनस थ्री आउट सेकेंड कॉलम से, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज की, क्या आ जाएगा? माइनस थ्री आउट पुल किया है तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस वन. देखिए माइनस थ्री आउट पुट किया है, पुल किया है तो ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस वन. माइनस थ्री आउट पुल किया है तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी? आई क्यू. देखो ना, माइनस थ्री आयोटा इंटू आई, डोंट यू अग्री वो थ्री के इक्वल होगा? क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस वन. थर्ड कॉलम क्या है? वन माइनस वन एंड आयोटा. नाउ वी आर डन. आपको दिखता है सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गए. तो अगर एक डिटर्मिनेंट में सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, क्या आप एग्री करते हो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है? यस. क्या जीरो इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा बाई? जीरो को क्या लिख सकते हैं? जीरो प्लस आयोटा जीरो. तो आपको पता चल गया, कंपेयर कर लीजिए एक्स की वैल्यू क्या हो गई जीरो, वाई की वैल्यू क्या हो गई जीरो. आई थिंक वी आर डन, द आंसर शुड बी डी. क्लियर है? ग्रेट, मूविंग ऑन. आगे करते हैं सर. ओके, देखिए क्या दे रखा है. दे रखा है कि लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द इमेजिनरी पावर ऑफ z इज नॉन जीरो. तो पहले जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं. पहले सबसे पहले हमने z को x प्लस आउट ऑफ y लिया और इमेजिनरी पावर इज नॉन जीरो, द y इज नॉन जीरो. ठीक है, ग्रेट. फिर क्या लिखा है? a इज z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 व्हिच इज रियल. अब व्हाट z स्क्वायर? z स्क्वायर क्या है मेरे पास? इट्स x प्लस आउट ऑफ y का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर वाई प्लस वन. ये प्योरली रियल है. अभी आपने सुना था कि प्योरली रियल एक क्वांटिटी कब हो जाती है? कब हो जाती है? जब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, राइट? सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़ेगा. करते हैं. अब कैलकुलेशन है, अलजेब्रिक है, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आती होगी. क्या करोगे? एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, माइनस वाई स्क्वायर आएगा क्योंकि आई स्क्वायर इज माइनस वन, एक एक्स भी आएगा मेरे पास ऑफकोर्स. So imaginary एक प्लस वन भी आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस वन है, राइट? प्लस आयोटा टाइम्स, और ये क्या जाएगा बस वाई प्लस टू एक्स वाई, ऐसे ही आएगा विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस आयोटा टाइम्स वाई टू एक्स प्लस वन. दिस इज ए. चलो मुझे ए के बारे में कुछ बताओ. एक है प्योरली रियल. एक क्वांटिटी प्योरली रियल कब होगी? जब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए. इसका इमेजिनरी पार्ट जल्दी से क्या देख के बताओ? इट्स y into 2x plus 1 is 0. तो इसका मतलब 2x plus 1 must be 0. इसका मतलब x must be minus 1 by 2. क्यों 2x plus 1 must be 0? क्योंकि y 0 नहीं है, ये ऑलरेडी असम्पशन है, राइट? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 by 2. तो e की वैल्यू क्या आती है अगर x की वैल्यू -1 by 2 आ गई? देखते हैं. x को माइनस वन बाई टू पुट किया, देखिए इस एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं x को माइनस वन बाई टू, क्या आएगा? वन बाई फोर. ये क्या आएगी? वाई स्क्वायर. ए को क्या पुट, x को क्या पुट किया? माइनस वन बाई टू, और ये प्लस वन, और ये क्वांटिटी तो जीरो है यार, अब क्यों विद इज इमेजिनरी पार्ट जीरो, राइट? अच्छा, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो वन बाई फोर माइनस वन बाई टू इज माइनस वन बाई फोर, माइनस वन बाई फोर प्लस वन इज थ्री बाई फोर. इज इट थ्री बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर? a की वैल्यू आपको 3 by 4 minus y square दिखती है, y तो purely real होगा, और y 0 के equal नहीं है, दे रखा है, तो आप मेरे से agree करते हो कि ये quantity हमेशा positive होगी, नहीं, एक real number का square हमेशा positive होगा, तो क्या आप मेरे से agree करते हो ये जो value होगी, ये 3 by 4 से हमेशा छोटी आएगी, क्योंकि y 0 नहीं है, right? तो ये सारी values ले सकता है जो 3 by 4 से छोटी हो. options देखते हैं, क्या बोला है? cannot take
क्या 3/4 ले सकता है? आंसर इज नो. 3/4 कब लेगा? जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी. इतना मुश्किल नहीं देखना कि बचे हुए ऑप्शंस में जो वैल्यूज है ए बी एस सी में, सारी वैल्यूज 3/4 से छोटी है, देयरफॉर ए वो वैल्यूज ले सकता है. राइट, ग्रेट. एंड वी आर मूविंग ऑन, आगे करते हैं. देखो क्या दे रखा है, z1 z2 z3 सारे का मॉड 1 दे रखा है. 1 upon z1 1 upon z2 plus 1 upon z3 का भी मॉड 1 दे रखा है. मॉड ऑफ z1 plus z2 plus z3 क्या होगा? रिकलेक्ट करो अभी मैंने 5 या 10 मिनट पहले क्या बोला. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसका मॉड दे रखा है, रेसिप्रोकल दे रखा है, क्या यूज करोगे? फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला? मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इनटू z कॉन्जुगेट. क्या यूज करोगे आप? मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इनटू z कॉन्जुगेट. राइट, ग्रेट. तो देखते हैं मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर हम शुरू करते हैं. देखिए क्या दे रखा है मेरे पास. दे ये रखा है कि मॉड ऑफ z1 इज 1, है ना? तो क्या हम बता सकते हैं स्क्वायर कर दिया? मॉड ऑफ z1 स्क्वायर v1 हो जाएगा यार. कोई पंगा इसमें नहीं. ग्रेट. अब मुझे बताओ कि मॉड ऑफ z1 स्क्वायर को उस फॉर्मूले से आप क्या लिख सकते हैं? आप लिखोगे z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 1. ग्रेट. अब मुझे बता दो यहां से z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी z1 की वैल्यू? 1 upon z1 कॉन्जुगेट. इतना कुछ मुश्किल है देखना? नहीं. ग्रेट. ओके. अच्छा अब मुझे बताओ कि क्या इतना मुश्किल है समझना कि z2 भी 1 upon z2 कॉन्जुगेट आ जाएगा यूजिंग द सेम ट्रिक, और z3 भी 1 upon z3 कॉन्जुगेट आ जाएगा? बेस प्रॉब्लम ऐसी है कि मॉड ऑफ z1 भी 1 है, मॉड ऑफ z2 भी 1 है, मॉड ऑफ z3 भी 1 है. राइट. अभी तक तो हमने ये कंडीशन यूज नहीं की भाई, मॉड ऑफ 1 upon z1, ये तो कंडीशन यूज की नहीं हमने अभी तक, है ना? कैसे करें? ऐसे करते हैं. यहां से देखो, यहां से मुझे देख के बताना कि यहां से 1 upon z1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 upon z1 की वैल्यू क्या आएगी? इज इट z1 कॉन्जुगेट? 1 upon z1 की वैल्यू क्या आएगी? z1 कॉन्जुगेट. देखो ना यहां से 1 upon z1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 upon z1 की वैल्यू क्या आएगी? z1 कॉन्जुगेट. तो 1 upon z1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं. किसे रिप्लेस करोगे? z1 कॉन्जुगेट. प्लस 1 upon z2 को रिप्लेस करोगे, किसे रिप्लेस करोगे? z2 कॉन्जुगेट. प्लस 1 upon z3 को रिप्लेस करोगे, किसे रिप्लेस करोगे? z3 कॉन्जुगेट. और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. अभी आपने कोई फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था? द सम ऑफ कॉन्जुगेट्स इज इक्वल टू द कॉन्जुगेट्स ऑफ सम. मतलब इन तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट्स का सम इज एज गुड एज उनके सम का कॉन्जुगेट. फॉर्मूला देखा था या नहीं देखा? राइट. उस फॉर्मूले से ये आ गया फिर. ट्री व्हिच वुड मीन दैट कि मॉन ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 मस्ट बी 1. इसका मतलब ये 1 होगा. क्यों भाई? बिकॉज क्या हमने ये भी डिस्कस किया कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस होगा वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा? ये बताइए, हमने डिस्कस किया या नहीं किया? राइट. तो जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस हुआ वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा. इज दैट ओके? देयरफॉर मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. और यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था. वी आर डन. इज दैट ओके? ग्रेट. चलिए अब देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम. देखिए क्या क्या दे रखा है. अब देखिए ये प्रॉब्लम देखने में बड़ी इंटरमीडिएटिंग लगती है. नहीं यार, इतनी बड़ी सी प्रॉब्लम पूछ दी कि ओमेगा ये दे रखा है, ई टू द पावर आई टू बाई थ्री. आप समझ रहे हो ओमेगा क्या है? कॉम्प्लेक्स रूट, नॉन ड्यूअल रूट ऑफ यूनिटी. अच्छी बात है अगर आपको याद है तो. ओके, ए बी सी डी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा, अच्छा ठीक है. ए प्लस बी प्लस सी एक्स दे रखा. ओके, लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन है पहले. ओमेगा जो है इट्स ई टू द पावर आई टू बाई थ्री, और मुझे दिखता है एक्स क्या है? ए प्लस बी प्लस सी. तो ऐसे जस्ट इन्फॉर्मेशन लिख लिया है. पहले वाई है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और जी है ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा. अच्छा देखिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं. अगर ये बात आपको नहीं पता है तो अब भी लिख लीजिए और याद रख लीजिए दैट ओमेगा का कॉन्जुगेट इज ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट इज ओमेगा. सिंपल सा प्रूव करना, बट यस ये ट्रू है.
राइट ओके देन अब हम ट्राई करते हैं. अब देखो मुझे क्या क्या दिखता है. प्रॉब्लम एक तो बड़ी सी लगती है, बट देखो प्रॉब्लम बड़ी हो छोटी हो वो हम नहीं देखी, मतलब देखने में बड़ी लग रही है राइट. मे बी कैलकुलेशन मुश्किल हो, मे बी आई डोंट केयर, बट एक चीज मुझे पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व है, उसका मॉडुलस इन्वॉल्व है और उसकी मॉडुलस का स्क्वायर इन्वॉल्व है. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं दैट मॉड ऑफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू जी कॉन्जुगेट. क्लियर है बात? ग्रेट. तुम मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे? आप लिखोगे एक्स विच इज दिस इंटू एक्स कॉन्जुगेट विच इज दिस इधर के. अब यहां पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा अलजेब्रा एक्सपैंड करने में, ये तो आप जानते हैं. देखो ए इंटू ए कॉन्जुगेट क्या होगा? मॉड ऑफ ए स्क्वायर. बी इंटू बी कॉन्जुगेट क्या होगा? देखो मॉड ऑफ बी स्क्वायर. प्लस सी इंटू सी कॉन्जुगेट क्या होगा? मॉड ऑफ सी स्क्वायर. ओके अब आपको दिखता है ये ए बी कॉन्जुगेट बनेगा एक. ग्रेट. आपको दिखता है सिमिलरली बी कॉन्जुगेट भी बनेगा. ग्रेट. आपको दिखता है एक बी सी कॉन्जुगेट बनेगा. ग्रेट. आपको दिखता है एक सी बी कॉन्जुगेट बनेगा. ग्रेट. आपको दिखता है एक सी ए कॉन्जुगेट बनेगा. ग्रेट. प्लस ए कॉन्जुगेट सी बनेगा. ए सी कॉन्जुगेट बनेगा. ए कॉन्जुगेट सी बनेगा. ओके ये तो हुआ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना फोक्स? ये बात क्लियर है? ग्रेट. अच्छा आप मुझे बताओ मॉड ऑफ वाई स्क्वायर कैसे लिखोगे? तो मॉड ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या बताया था आपने मॉड ऑफ वाई स्क्वायर? वाई इंटू वाई कॉन्जुगेट. तो लिखो वाई दिस इंटू इसका कॉन्जुगेट. इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ए प्लस बी कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस सी कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा. क्यों कर दिया सर? बिकॉज ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या है? ओमेगा स्क्वायर है. और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या है? ओमेगा. मल्टीप्लाई करो. वापस से मॉड ऑफ ए स्क्वायर देखते हैं, वापस से मॉड ऑफ बी स्क्वायर देखते हैं, वापस से मॉड ऑफ सी स्क्वायर देखते हैं. ग्रेट. अब ए बी कॉन्जुगेट के साथ क्या दिखता है आपको? ए बी कॉन्जुगेट के साथ क्या दिखता है? ओमेगा स्क्वायर. अच्छा बी ए कॉन्जुगेट के साथ क्या दिखता है? बी ए कॉन्जुगेट के साथ क्या दिखता है? ओमेगा. है ना? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको. अब बी सी कॉन्जुगेट के साथ क्या दिखता है? अब बी सी कॉन्जुगेट के साथ क्या दिखता है मुझे? अब बी सी कॉन्जुगेट के साथ दिखता है मुझे बी सी कॉन्जुगेट के साथ ओमेगा स्क्वायर. और देखिए सी बी कॉन्जुगेट के साथ मुझे क्या दिखता है? सी इंटू बी कॉन्जुगेट के साथ फिर से ओमेगा स्क्वायर. प्लस सी ए कॉन्जुगेट, सी ए कॉन्जुगेट के साथ क्या दिखता है? ओमेगा स्क्वायर. ए कॉन्जुगेट सी, ए कॉन्जुगेट सी के साथ क्या दिखता है मुझे? ए कॉन्जुगेट सी, सी ए कॉन्जुगेट के साथ क्या दिखता है मुझे? ओमेगा स्क्वायर. एंड ये मैंने गलत कर दिया. नहीं ये देखिए इट्स नॉट ए कॉन्जुगेट सी, दिस शुड बी ए सी कॉन्जुगेट. या ए सी कॉन्जुगेट के साथ क्या दिखता है मुझे? ओमेगा. ग्रेट. अब ज्यादा टाइम थोड़ी लगाऊंगा. सिमिलरली मॉड ऑफ जी स्क्वायर लिखो. क्या आ जाएगा मॉड ऑफ जी स्क्वायर? इट्स ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इंटू ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा प्लस सी कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा स्क्वायर. ये क्या आ जाएगा? देखो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर. ए बी कॉन्जुगेट के साथ क्या दिखता है? ओमेगा. बी ए कॉन्जुगेट के साथ क्या दिखता है? ओमेगा स्क्वायर. बी सी कॉन्जुगेट के साथ क्या दिखता है? ओमेगा. सी बी कॉन्जुगेट के साथ क्या दिखता है? ओमेगा. सी ए कॉन्जुगेट के साथ क्या दिखता है? ओमेगा. ए सी कॉन्जुगेट के साथ दिखता है ओमेगा स्क्वायर. अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा? ऐड करने की बात है, ऐड कर दो यार. तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर. ऐसा दिखता है. अच्छा अब देखो ये वाले कॉलम को ऐड करो, जिस कॉलम को मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, अब सिर्फ उस कॉलम को देखना अभी. ओके जिस पार्ट को मैं आपको मार्क कर रहा हूँ सिर्फ उसको देखना. ये पार्ट देखो, अगर आप ए बी कॉन्जुगेट पुल करोगे तो क्या आएगा? आएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो. ये कॉलम देखना, बी कॉन्जुगेट ले लोगे, बी ए कॉन्जुगेट ले लोगे अगर, तो क्या आ जाएगा? प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो. आपको दिखता है यहां से सारे कॉलम्स का सम जीरो आ जाएगा, राइट? सारे कॉलम जीरो आ गए ना. ये भी कॉलम जीरो, सिमिलरली ये भी कॉलम जीरो, ये भी कॉलम जीरो. तो बचा क्या? यही आ गया फिर. तो फिर ये वैल्यू बची क्या? ये वैल्यू सिर्फ ये बची. तो अब देखते हैं यहां से क्या आ गया. मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
mod of y square, plus mod of z square, upon mod of a square, plus mod of b square, plus mod of c square. Our key value kya aagayi? 3. J means integer type problem. Aane lagaya, the answer is 3 and we are done. Is that okay? So lesson kya hai? Lesson bataiye, problem to aapne seekh li. Ye agar ek complex number hai, in general, dekhiye main, हम जब ऐसे बताते हैं ना आपको कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स हैं और टेक्निक्स हैं, तो इट्स नॉट फूल प्रूफ, नहीं कि 100% प्रॉब्लम में यही काम आएगा. अगर मैं ऐसा बोल दूं तो आई एम अ शार्लटन, नहीं मतलब मैं फिर आपसे झूठ बोल रहा हूँ, नहीं क्योंकि ऐसा होता नहीं ना. मैथमेटिक्स की अपनी इंजेन्युइटी तो होगी, राइट? कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिसमें कुछ नया करेंगे, बट इन जनरल एक ये तो करना बनता है कि अगर मॉडल जी आया, उसका स्क्वायर आया, कॉन्जुगेट आया, रेसिप्रोकल आया, तो क्या यूज करोगे अब? मॉडल जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इनटू जी कॉन्जुगेट. ग्रेट, मूविंग ऑन. चलिए अब नेक्स्ट वीक कम टू दिस प्रॉब्लम, इस सेक्शन की लास्ट प्रॉब्लम से आ जाते हैं. देखो देखना ठीक से, इट सेज दैट एक्स एक्स क्या एक्स सेट है. ओके, किसका सेट है यार? एक्स इज अ सेट ऑफ ए प्लस रूट अंडर माइनस फाइव बी. अच्छा, ये भी इंटीजर्स है. Z क्या होता है? इंटीजर्स का सेट होता है, राइट? देखो आई एम डिस्टिंग्विशिंग हियर, मैं Z जब बोलता हूं तो आई मीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Z जब बोलता हूं तो आई मीन इंटीजर्स. लेकिन बिकॉज़ Z और Z और Z अगर मैं बोलने लगूंगा तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी. तो जब मैं Z बोल रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Z बोल रहा हूं इंटीजर्स. ओके, एक एलिमेंट X जो है वो स्पेशल है भाई. कब है X स्पेशल? जब ऐसा कोई Y बिलोंग कर रहा है इसको. ओके, जब x into y is 1. ओके, मतलब x जो एलिमेंट है वो स्पेशल तब हो जाएगा जब x into y is 1. ओके, द नंबर ऑफ स्पेशल एलिमेंट्स इन x is, तो x में कितने स्पेशल एलिमेंट्स हो जाएंगे? तो आपको दिखता है अगर x स्मॉल x कैपिटल x का एक स्पेशल एलिमेंट है, तो फिर y भी कैपिटल x का एक स्पेशल एलिमेंट हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? बिकॉज y also, y into x is also 1. और y भी x को बिलोंग कर रहा है भाई, y must be special element of x. Great. क्या करें? Assume कर लेते हैं. सोचिए x को ले लिया हमने, x को ले लेते हैं a1 plus root 5 d1 iota, और y को ले लेते हैं कुछ a2 plus root 5 b2 iota, right? तो फोक्स, क्या आप मेरे से अग्री करते हो वाई ले लिया कि जितने ए वन बी वन और ए टू बी टू के लिए ए वन प्लस रूट फाइव बी वन आयोटा इंटू ए टू प्लस रूट फाइव बी टू आयोटा की वैल्यू वन हो जाएगी, दैट इज एक्स इंटू वाई जब वन हो जाएगा, उतने ही स्पेशल एलिमेंट से सेट होंगे. क्या आप मेरे से अग्री करते हो, राइट? अच्छा, अब देखने से ये क्वेश्चन बड़ी इंटरमीडिएटिंग लगती है. मुझे लगता है यार इतने तो चार वेरिएबल सॉल्व कैसे होगा. फिर मुझे ध्यान में आता है कि एक फैक्ट जो मैंने अभी तक थोड़ी इग्नोर किया है वो ये फैक्ट कि ए और ए वन बी वन और ए टू बी टू इंटीजर्स होने वाले, यूज नहीं किया अभी तक हमने, राइट? करेंगे. फिर मुझे समझ में आती बात, अच्छा ठीक है यार कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन तो सच में यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बट हाउ अबाउट कि हम मॉड ले जाए. मॉड लेना कभी कभी अच्छी सी टेक्निक है. क्यों? सोचे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो क्या उनके मॉड लाइव इक्वल होंगे? यस. डोंट एग्री, उनके मॉडल स्क्वायर ऑफ इंटीजर से डील कर रहे होंगे, राइट? करते हैं. तो इसका मतलब मॉड ऑफ रूट फाइव बी वन आयोटा का स्क्वायर इंटू ए टू प्लस रूट फाइव बी टू आयोटा का स्क्वायर मस्ट बी वन. मॉडल या स्क्वायर कर दिया, होना चाहिए. अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडल स्टॉक में निकालना आता है, कर लीजिए. क्या आ जाएगा? ए वन स्क्वायर प्लस फाइव बी वन स्क्वायर इंटू ए टू स्क्वायर प्लस 5b2 square की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. नाउ अब देखिए कुछ हम कर सकते हैं यहां पे. पता है मुझे क्या दिखता है? अभी तक हमने फैक्ट यूज नहीं किया. क्या फैक्ट यूज नहीं किया? कि दैट a1 b1 a2 b2 आर इंटीजर्स, राइट? तो अब मेरा क्लेम ये है, सोचिए कि दैट, पता है क्या, b1 और b2 जीरो ही होने चाहिए यार. क्यों? अगर सोचो b1 b2 जीरो नहीं हुआ तो ये वैल्यू कम से कम 5 होगी. आप अग्री करते हो? क्योंकि b1 इंटीजर है, तो अगर b1 जीरो नहीं हुआ तो b1 स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू 1 होगी, तो ये वैल्यू कम से कम 5 होगी. तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है कम से कम 5 होगा. सिमिलरली
अब ये तो इंटीजर ही है, अब 5 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे कभी 1 नहीं आएगा यार, अग्री करोगे ना अपने से, तो डू यू एग्री बी 1 0 होगा, तो डू यू एग्री बी 2 0 होगा, राइट? तो फिर क्या बचेगा, फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा मेरे पास, तो बी वन बी टू जीरो हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा बस, यहाँ से आ जाएगा बस ए वन ए टू, ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर इज वन, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, ए वन ए टू इज इक्वल टू वन और माइनस वन। अब मुझे लगता है इसके बहुत सारे सोल्यूशन थोड़ी होंगे, राइट? ए वन को वन किया तो ए टू क्या होगा, वन, तो वो तो सेम नंबर हो गया, वो स्पेशल एलिमेंट फिर नहीं होगा, या ए वन को माइनस वन लिया तो ए टू भी माइनस वन होगा, क्यों? क्योंकि ए वन ए टू इंटीजर है। यहां से क्या आएगा कि अगर ए वन को वन लिया तो ए टू की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन, या ए वन को माइनस वन लिया तो ए टू की वैल्यू क्या आएगी, वन। अपने से अग्री कर दो, ये दो सोल्यूशन हो जाएंगे आपके पास, राइट? या तो वन माइनस वन, या तो माइनस वन एंड वन, इज दैट ओके? सो वी हैव टू सोल्यूशंस, इज दैट क्लियर? ग्रेट, एंड वी आर डन। आपने देखा हमने क्या किया, जो एक मुश्किल सी प्रॉब्लम लग रही थी उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मॉडुलस फॉर्म में। आइडिया इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंटीजर की प्रॉब्लम आए, कॉम्प्लेक्स नंबर आए, मॉडुलस में कन्वर्ट करना बेटर आइडिया होगा। ग्रेट, मूविंग ऑन। चलो अभी तक आपने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ट्रीट कर सकते थे हम पॉइंट की तरह, अब हम देखने वाले आप कॉम्प्लेक्स नंबर को किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, वेक्टर्स की तरह। याद रखिए और यूज कीजिए इस बात को, प्रूव रूफ हम करने नहीं वाले यहाँ पे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आप ट्रीट कर सकते हैं किसकी तरह, वेक्टर्स की तरह। और पता है इससे क्या आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। कैसे, देखो देखो जैसे देखो शुरू कैसे किया, शुरू किया इसको वेक्टर z1 ले लिया, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 था, तो ओरिजिन से उसको ज्वाइन किया एरो से, उसको बता दिया z1, ओके। देखो ये वेक्टर है z2, ओके, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 था, ये वाला जहां पे मैं डॉट बना रहा हूँ, राइट? ग्रेट। अब हमने क्या बोला कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं वेक्टर्स की तरह, क्या करोगे आप, यूजिंग z1 एंड z2 एज एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, कर दिया भाई, z1 और z2 को एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बनाया, हो गया कंप्लीट, हो गया पैरेललोग्राम। तो ये जो वेक्टर होगी आप अग्री करोगे इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, z1 + z2, आर वी क्लियर? ग्रेट। अच्छा मुझे देख के बताना कि क्या आप मेरे से अग्री करते हो कि जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ उस साइड को देखना, इस साइड की लेंथ इज मॉड ऑफ z2, क्योंकि दिस इज द डिस्टेंस ऑफ z2 फ्रॉम ओरिजिन, अग्री करोगे आप मेरे से? यस। इज इट मॉड ऑफ z1? यस, बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस ऑफ z1 फ्रॉम ओरिजिन, तो दिस मस्ट ऑल्सो बी मॉड ऑफ z1? यस। अच्छा दिस मस्ट बी मॉड ऑफ z1 प्लस z2? यस। लुक एट ट्राइंगल, अब एक ट्राइंगल देखिए, OAB, OAB, क्या फिर से अग्री करेंगे कि the sum of two sides of a triangle is always greater than the third side? या जैसे कि मैंने ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी कितनी अच्छी सी लिख रखी है, गलत सी नहीं, ये थोड़ी होगा, ये होगा, क्यों ये होगा, बिकॉज आप मेरे से अग्री करते हो, देखो इस साइड विच इज मॉड ऑफ z2 प्लस इस साइड विच इज मॉड ऑफ z1 का सम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड विच इज मॉड ऑफ z1 प्लस z2, इज दैट ओके? तो देखिए ये इनइक्वालिटी करेक्ट होगी, होगी नहीं, क्लियर है ये बात? ग्रेट। अच्छा इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, तो इक्वालिटी तब होल्ड करेगी ना जब ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि जब जब ट्राइंगल बनेगा तब तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी को लेके, राइट? तो वही मैंने लिख दिया कि ट्रायंगल इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z2। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z2। सिमिलरली ये वाला आ जाएगा प्लस q, बिकॉज़ ये साइड देखो, जैसे अब ये मैंने आप पे छोड़ दिया, कैसे करोगे, ऐसे करोगे, आप जानते हो पैरेललोग्राम का अगर एक डायगोनल वेक्टर a प्लस b तो दूसरा डायगोनल क्या होता है, वेक्टर a माइनस b, पता है आपको वेक्टर से, राइट? तो डू यू अग्री ये वेक्टर मोर ऑफ z1 माइनस z2 बनाई जा सकती है, राइट? हम दूसरी ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी लेते हैं, क्या होती है ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी फॉर्म में, दैट वन साइड
इज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स, है ना? तो ये लिखा है वन साइड इज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स. इनफैक्ट अगर चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ जी वन माइनस मॉड ऑफ जी टू एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ जी टू माइनस मॉड ऑफ जी वन, राइट? किसी भी फॉर्म में हम इस इनइक्वालिटी को यूज कर लेंगे. क्लियर है ये बात? याद रखिए ये इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम यूज करने वाले हैं इसका. ट्राई करें प्रॉब्लम्स. सिंपल सी क्या है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, मॉड ऑफ जी वन प्लस मॉड ऑफ जी टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ जी वन प्लस जी टू, याद रखिए ये बात. दूसरी क्या है, मॉड ऑफ जी वन माइनस जी टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ जी वन माइनस मॉड ऑफ जी टू का मॉड. उसको आपने दो फॉर्म में ऐसे लिख दिया. ग्रेट, ट्राई दिस. देखो ये 2014 की प्रॉब्लम है, इज दैट ओके? क्या करते हैं, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और पूछा क्या z इज मिनिमम वैल्यू पूछी है. पहले हम थोड़ा इग्नोरेंट बन जाते हैं, लेट्स प्रिटेंड कि हमें ज्यादा यूज करने नहीं आती है. तब क्या करूंगा मैं, तो मैं कहूंगा अच्छा यार कॉम्प्लेक्स नंबर है, सीधे सीधे कर दो. सीधे सीधे क्या कर दो, मुझे दिखता है मॉड ऑफ z1, ये z1 दिखता है मुझे, z2 दिखता है, तो मैं कहूंगा कि दिस लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2. इससे तो आप अग्री करोगे या नहीं करोगे, राइट? तो मेरे पास आ जाएगा मॉड ऑफ z प्लस 1 बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 1 बाई 2. नहीं, अच्छा अब मॉड ऑफ z क्या है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू है. मॉड ऑफ z क्या है आपके पास, खुद ग्रेटर देन इक्वल टू है. उससे कुछ आया नहीं है, आया नहीं, मतलब क्या, अगर इससे यहाँ पे कुछ वैल्यू आ भी गई तो डोंट यू एग्री ये इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी. क्यों? समथिंग इज लेस देन और इक्वल टू दिस, तो दैट नंबर डोंट यू एग्री इज द मैक्सिमम वैल्यू. अगर कोई चीज इससे हमेशा छोटी है या इक्वल है, एक्स अगर थ्री से हमेशा छोटा या इक्वल है, तो थ्री तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, मिनिमम वैल्यू तो नहीं होगी ना, राइट? तो अगर ये निकल के कुछ आ भी गया वो नहीं पाया गया, और ये काम नहीं किया, फिर हम थोड़ा से थोड़ी सी इंजेन्यूटी दिखाते हैं. इतना भी मुश्किल नहीं है. तो मुझे एक्चुअली दूसरी वाली इनइक्वालिटी यूज करनी थी, मुझे समझ में आता है. ओके कैसे करें, ऐसे करते हैं. एक बार देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं z माइनस माइनस वन बाई टू, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ऑब्वियसली नहीं. इसको z1 समझो, इसको z2 समझो, क्या बता सकते हैं, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू मोर ऑफ z माइनस मोर ऑफ z माइनस 1 by 2. Triangle inequality. Mod of z1 minus mod of z2 is greater than or equal to mod of z1 minus mod of z2. Abhi jo bataya tha wahi use kiya, right? Great. Which is in fact mod of z minus 1 by 2. Because minus 1 by 2 guys mod is 1 by 2, right? Okay. Acha z ke bare mein kuch aur pata hai kya? Are pata hai yaar. Z is greater than or equal to 2. To mujhe bataya agar z is greater than or equal to 2. To z minus 1 by 2. Is that greater than or equal to 2 minus 1 by 2, which is 3 by 2? Hey, yeah, nahi bataiye. Obviously. So is this number greater than or equal to 3 by 2? Yes. Does that mean this number is greater than or equal to 3 by 2? Yes. So does that mean us number ki least value kya hogi? 3 by 2. And we're done. Ab mujhe bataiye, 3 by 2 kis interval mein lie kar raha hai? 3 by 2 lies between 1 by 1 and 2. Answer liya jayega plus b. And we're done. So pata chala kaise karte hain? अगर उस फॉर्म में नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, उस फॉर्म में लेके आएंगे और दो में से कोई एक इनइक्वालिटी यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा. क्लियर है ये बात? ग्रेट, मूविंग ऑन. चलो अब मैं इस पार्ट को बहुत जल्दी से करने वाला हूँ. क्यों? क्योंकि हम होपिंग कि लास्ट पार्ट हमने जल्दी टाइम स्पेंड किया था समझने में. चलो देखो पूछा क्या जा रहा है, दे क्या रखा है, पहले तो लिख लेते हैं. z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा सैटिस्फाई कर रहा है उसको, इसको सैटिस्फाई कर रहा है. आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है इसको ज्योमेट्री से कर लेंगे, कर लेंगे, हम इसको ज्योमेट्री से भी करेंगे बाद में, अभी के लिए हम पहले अलजेब्रा से करते हैं. ये टू है तो किसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, राइट? सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे क्या दिखती है, मैं आपको बताता हूँ. मुझे दिखता है भाई यहाँ तो z है, यहाँ 2z है, कैसे होगी प्रॉब्लम? तो सिंपल सा आइडिया कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इन इक्वेशन को, कर सकते हैं इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 2z माइनस सिक्स माइनस फोर आई इज लेस देन इक्वल टू फोर, ये दिखता है आपको.
ओके अब पता है क्या करूंगा मैं इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करूंगा। चलो करते हैं, क्या करते हैं, इसको मैं लिखता हूं दिस इन फैक्ट फोक्स टू जी माइनस सिक्स प्लस फाइव आई माइनस नाइन आई इज लेस देन इक्वल फोर। एक बार देखो आपको इसमें कोई परेशानी है क्या, ये और ये क्या सेम बात है या नहीं है? मैंने सिंपली माइनस फोर आयोटा को फाइव आयोटा माइनस नाइन आयोटा लिख दिया, कोई पंगा इसमें नहीं। मैं इसको वापस से लिखता हूं टू जी माइनस सिक्स और दिस इज लेस देन इक्वल फोर राइट। इसमें मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करता हूं, बताना मैंने ठीक लिखा या नहीं लिखा, आप सोचना। दिस इज दिस माइनस मोड ऑफ नाइन आई, क्या किया इसको जी वन समझा इसको जी टू समझा, मोड ऑफ जी वन माइनस जी टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ जी वन माइनस मोड ऑफ जी टू। ये तो होगा, आई थिंक वी आर डन। क्यों डन भाई, देखो विच मीन दैट यहां से क्या आ जाएगा, प्लस मोड ऑफ टू जी माइनस सिक्स प्लस फाइव आई, इसका मॉड क्या हो जाएगा नाइन, वो तो हम जानते हैं, इज लेस देन इक्वल फोर। टू जी माइनस सिक्स प्लस फाइव आई इज लेस देन इक्वल थर्टीन। तो अगर कोई क्वांटिटी थर्टीन से स्मॉलर इक्वल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू थर्टीन आ जाएगी राइट। आइडियली हमें वेरीफाई करना चाहिए कि इक्वालिटी होल्ड करेगी या नहीं करेगी राइट, बट दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर सम अदर टाइम राइट। वो आप जियोमेट्री से बहुत आसानी से देख सकते हैं। चलो फाइन, सो वी आर डन। इंटीजर टाइप प्रॉब्लम थी ये, हो गई ग्रेट। इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं, अब मैं इसको जल्दी से कर लूं फिर। चलिए देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, देखो 2019 में आ चुकी है प्रॉब्लम। इट सेज इवन एंड जीरो आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अच्छा ठीक है यार, मोड ऑफ जीवन नाइन दे रखा, ओके मोड ऑफ जीरो क्या दे रखा है ये, ठीक है तो मोड ऑफ जीवन माइनस जी टू की वैल्यू निकालनी। अच्छा क्या क्या नोन है, देखो मोड ऑफ जीवन नाइन नोन है, मोड ऑफ जी टू माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा इज फोर ये भी नोन है। क्या हमें चाहिए मोड ऑफ जीवन माइनस जीरो चाहिए, आइडिया ये कि इन दोनों को यूज करना है, ये निकालना है। ओके तो मैं देखता हूँ कि इसको ऐसा निकाला जा सकता है, मोड ऑफ जी वन माइनस देखिएगा जी टू माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा एंड माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा इज इक्वल फोर। एक बार देखना आप क्या मॉड ऑफ जी वन माइनस जी टू एंड दीज टू क्वांटिटीज आर सेम, एक बार देखना है ऑब्वियसली ये वाला ऑब्वियस ऑब्वियस है, ये वो वाला ऑब्वियस नहीं है, है ना। ये आप देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगा थ्री प्लस फोर आयोटा दोनों, है ना। अच्छा अब पता है क्या करने वाले हम, ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसको जी वन समझो इसको जी टू समझो इसको जी थ्री समझो समझो ओके तो क्या हम बता सकते हैं कि दिस विल बी, ये जो क्वांटिटी होगी ये हमेशा ग्रेटर या इक्वल होगी, किससे हमेशा ग्रेटर या इक्वल होगी, मोड ऑफ दिस माइनस मोड ऑफ दिस माइनस मोड ऑफ दिस से होगी, नहीं होगी बताइए राइट। तो इनफैक्ट ये मैंने क्यों लिख दिया, तो मैं क्या कह रहा हूं कि दिस ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू मोड ऑफ जी वन ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज की माइनस मोड ऑफ जी टू माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा माइनस मोड ऑफ थ्री प्लस फोर आयोटा, करेक्ट हो गई तो। अच्छा अब देखो यार ये सब वैल्यूज मुझे लगता है पता है, नाइन है ये वैल्यू भी गिवन है, क्या ये वैल्यू फोर है, थ्री प्लस फोर आयोटा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, थ्री स्क्वायर इज नाइन फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव प्लस स्क्वायर रूट इज फाइव, तो नाइन माइनस फोर माइनस फाइव क्या आ गई जीरो, मोड ऑफ जी वन माइनस जीरो की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन इक्वल जीरो, अगर कोई क्वांटिटी जीरो से ग्रेटर या इक्वल है तो उसकी लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो एंड वी आर डन, सो द लीस्ट वैल्यू जीरो एंड वी आर डन। अब देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से आंसर्स आ गए राइट, ग्रेट मूविंग ऑन। अब ये यहां से इस टॉपिक से प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए मैंने तीन प्रॉब्लम्स ले लिए यहां से, या दो लिए आई एम नॉट श्योर, तीन ले लिए राइट, ग्रेट मूविंग ऑन। चलिए मूविंग ऑन आगे करते हैं राइट। अब हम आ जाते हैं डीमोवस थ्योरम पे। डीमोवस थ्योरम क्या कहता है, ये सिंपली कहता है कि दैट अगर n इंटीजर है तो cos theta plus r sin theta की पावर n is equal to cos n theta plus r sin n theta।
राइट कॉस एन थीटा प्लस आर साइन एन थीटा कुछ भी नहीं करना एन को थीटा से मल्टीप्लाई कर देना दिस दिस स्टेटमेंट ऑफ डी मेवर्स थ्योरम अगेन प्रूफ प्रूफ हम नहीं जा नहीं रहे ये कहता है एन एक रैशनल नंबर है यार और इंटीजर नहीं है देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज दिस तो उसकी एक वैल्यू ये होगी इसका मतलब सारी वैल्यूज नहीं होंगी सारी अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं इसकी यस मतलब अन अगर एक रैशनल नंबर है और इंटीजर नहीं है तो कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है उसमें से एक वैल्यू होगी कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इंपॉर्टेंट बात है ये डिस्टिंक्शन करना एन अगर इंटीजर है तो कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा की एग्जैक्टली एक वैल्यू होगी कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा राइट बट अगर एन रैशनल है तो देन इंटीजर उसकी बड़ी सारी वैल्यूज हो सकती है उसमें से एक वैल्यू होगी क्लियर है बात अब मैं आपको एक करके बताता हूँ कि क्यों ऐसे दो वैल्यूज या तीन वैल्यूज आ सकती है एक देखिए देखो इसको आप लिख सकते हो कॉस 2k पाई प्लस थीटा प्लस आर साइन 2k पाई प्लस थीटा की पावर 1/2 जहां पे k इज एन इंटीजर z ले लिया अगेन z इज इंटीजर z इज कॉम्प्लेक्स नंबर राइट क्यों भाई cos 2k plus theta is as good as cos theta ये सब जानते हैं आप राइट अब यूज करते हैं इसमें डी मेवर्स थ्योरम क्या आएगा यू गेट cos 2k pi plus 1/2 plus iota sin 2k pi plus theta upon 2 times denominator ऐसे कुछ आ जाएगा सिंप्लीफाई करो जल्दी से करो क्या आएगा दिस इज cos अब k pi plus theta by 2 plus iota sin k pi plus theta by 2 अच्छा k क्या था इंटीजर था तो अब इंटीजर्स को वेरी कराते हैं अलग अलग इंटीजर के लिए इसके अलग अलग वैल्यू जाएंगे क्या देखते हैं z अगर k को 0 पुट कर दिया तो आपको दिखता है कि cos theta by 2 plus iota sin theta by 2 बन जाएगा तो आपको दिखता है cos theta plus iota sin theta की बार 1/2 का कि एक वैल्यू आ गई cos theta by 2 plus iota sin theta by 2 आ गई ना ग्रेट दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम k को 1 पुट कर देते हैं इंटीजर कोई भी है उसके लिए ट्रू एक्सप्रेशन k को 1 पुट करो क्या जाएगा k को 1 पुट किया तो cos pi plus theta by 2 व्हाट्स cos pi plus theta by 2 minus cos theta minus cos theta by 2 और व्हाट इज sin of pi plus theta by 2 minus sin iota sin theta by 2 ग्रेट आपको दिखता है ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग है राइट तो वो स्टेटमेंट ठीक था ना फिर ये एक यूनिक वैल्यू नहीं है ना ग्रेट अब बोलोगे यार 2 भी पुट करो रुक क्यों गए 1 पे तो भैया कर लो यार k को 2 पुट करोगे आपको दिखता है 2 पाई प्लस थीटा बाय 2 आएगा जो वापस से cos थीटा बाय 2 आ जाएगा मतलब वापस से z बना जाएगा राइट 3 पुट करोगे वापस से z2 आ जाएगा राइट कुछ बचा नहीं है फिर इसमें यही दो वैल्यूज आएंगे आपको दिखता है मैंने आपको डी मेवर्स थ्योरम के एक टॉपिक बताते बताते क्या कर दिया आपको दिखता है मैंने आपको स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया नहीं बता दिया देखिए क्यों से बता दिया अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज r अगर आपने उसको पोलर फॉर्म में लिख दिया ऐसा तो मेरे से अग्री करते हो कि z की पावर 1/2 विल बी r टू द पावर 1/2 इनटू cos थीटा प्लस r sin थीटा की पावर 1/2 अब ये क्वांटिटी तो रियल हो गई यार और इसकी वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दी दो वैल्यूज अलग अलग ही आएंगी तो डी यू की जी का स्क्वायर रूट आ गया और ये जी का स्क्वायर रूट ग्रेट वेयर डन ये क्लियर है ग्रेट अच्छा देखिए ऑयलर्स प्रोपोजिशन ऑयलर ने क्या कहा ऑयलर ने कहा कि एक ही बार आई थे इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा एंड मोर ऑफ जी इज इक्वल टू अगर आप यूज करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन तो कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा को लिख दीजिए एक ही बार आई थे तो जी इस फॉर्म में आ जाएगा राइट अगर आपको लगता है कि इसका फॉर्म प्रूफ टेलर्स फॉर्मूला से आता है दैट्स नॉट करेक्ट उल्टा है काफी टेलर्स फॉर्मूला यहाँ से आता है प्रूफ साइक्लिकल नहीं होना चाहिए खैर फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली कहाँ अप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर बहुत बड़ी बड़ी आ गई बड़ी सी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर आ गई तो जनरली आप क्या यूज करने वाले ये यूज करने वाले डी मेवर्स थ्योरम या ऑयलर्स प्रोपोजिशन right look at this problem ye problem dekho it says root 3/2 dekho
अब प्लस आर बाई टू की पावर फाइव है, अब प्लस थ्री बाई टू माइनस आर बाई टू की पावर फाइव, राइट? अग्री। अब पहले इसको ये दिखता है क्या लिखा हुआ है, ये मुझे दिखता है लिखा हुआ है इट्स कॉस पाई बाई सिक्स प्लस आयोटा साइन पाई बाई सिक्स की पावर फाइव एंड प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई सिक्स प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई सिक्स की पावर फाइव। तो जब हम ये कर रहे हैं तो ये भी कर ही देते हैं, इसको भी माइनस पाई बाई सिक्स कर देते हैं, क्यों? अब आपको दिखता है यहाँ पे सिंपली किसका एप्लीकेशन है, डीमावर्स थ्योरम का, कॉस थ्योरम प्लस आयोटा साइन थ्योरम के पावर एन, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरे पास कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा प्लस ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये ऐसे कुछ आ जाएगा साइन फाइव पाई सिक्स, राइट? आपको दिखता है ये दोनों क्वांटिटीज कैंसिल हो गए, आपको दिखता है ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल है क्योंकि कॉस थीटा इज एज गुड एज कॉस ऑफ माइनस थीटा, आपको दिखता है ये क्वांटिटी आ जाएगी टू कॉस फाइव पाई बाई सिक्स, राइट? अच्छा आपको दिखता है कॉस फाइव पाई बाई सिक्स इज एज गुड एज माइनस कॉस फाइव बाई सिक्स क्योंकि पाई माइनस फाइव बाई सिक्स है, तो आपको दिखता है कॉस माइनस फाइव बाई सिक्स कॉस फाइव बाई सिक्स इज वन बाई टू, ये वैल्यू क्या आ गई माइनस वन। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है, आपको दिखता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल आ गया तो आपको दिखता है इसके इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा एंड वी आर डन, मुश्किल थोड़ी सी प्रॉब्लम एंड वी आर डन, ग्रेट। हम जल्दी जाते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे और एंथ रूट्स ऑफ यूनिटी पे। अब देखो जो मैं जो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट होंगी, आप याद रखें। एंड जो प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट होंगे वो याद रखें, राइट? और मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप बार 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 इन सारे प्रॉब्लम्स को करिए, क्योंकि आई एम होपिंग कि आप ये समझ रहे हैं कि मैंने प्रॉब्लम रैंडमली पिक नहीं किए, राइट? मैंने प्रॉब्लम केयरफुली पिक किए हैं कि वो प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेटिव हो जाए पूरी चैप्टर का, मतलब अगर आप इन सारे प्रॉब्लम्स को रिवाइज कर लेंगे तो आई एम होपिंग कि ऐसा कुछ नहीं बचेगा चैप्टर में जो आइडिया मैंने यूज नहीं किया प्रॉब्लम सॉल्व करने में, राइट? तो अगर आप पर्टिकुलरली डाइस हैं आपके चांसेस के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं हो रहा है, यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर मुश्किल लग रहा होता है, नहीं मुश्किल लगना चाहिए, इन प्रॉब्लम्स को बार 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 करेंगे और ये प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सारे आइडियाज को इनकम्पास करते हैं, राइट? ऑफ कोर्स आई आई अगेन आई विल नॉट बी अ शार्लटन और मैं कहूंगा कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, ऑफ कोर्स ऐसा तो पूछा ही जा सकता है ना यार जो बिल्कुल नया हो जाए, राइट? तो ऐसे इवेंट्स को आप कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट्स, तो ब्लैक स्वान इवेंट्स को छोड़ दीजिए, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी टेकन केयर ऑफ, राइट? सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देखो, आपको दिखता है z cube is equal to 1 equation है, आपको दिखता है 3 डिग्री की पॉलीनोमियल है, आपको पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहता है कि इसके तीन रूट्स ही होंगे, वो तीन रूट्स है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, राइट? मैं लिख देता हूं 1 माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 एंड माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, राइट? या 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वो तो मैंने लिखा हुआ, राइट? अब देखिए अब यहाँ पे कोई कन्वेंशन है नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि आप इसको ही ओमेगा लेंगे, अगर आपके दिमाग में ये आइडिया है तो ये गलत है, ये ट्रू नहीं है कि आप इसको ओमेगा लेंगे इसको ओमेगा स्क्वायर लेंगे, गलत बात। इसमें से किसी भी एक को आप ओमेगा ले सकते हैं और किसी भी एक को आप ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, क्लियर है ये बात? ग्रेट। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हम इसको यूज करने वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के। इनफैक्ट मैं ये कह रहा हूँ कि इस पेज पे जो प्रॉपर्टीज लिस्टेड है आप देखेंगे कि हम कुछ जेई के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, अभी हम उनको ऐसे इनवोक करेंगे इन प्रॉपर्टीज को और ऐसे आंसर निकालेंगे उनका, राइट? ऑल आई एम सेइंग इज कि प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है यार, इन अदर वर्ड्स याद रखेंगे फर्स्ट क्या 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज 0, मतलब सम ऑफ रूट्स इज 0, ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा क्यूब 1 है इसको सैटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 / ओमेगा स्क्वायर ऑब्वियसली, एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 / ओमेगा ऑब्वियसली, सिंस ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा की पावर 3 n 1 होगा, क्यों? क्योंकि आप ओमेगा की पावर 3 n को समझ सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 की पावर n, बट सिंस ओमेगा की पावर 3 इज 1 तो देयरफॉर दिस वन, सिमिलरली ओमेगा की पावर 3 n + 1 इज इक्वल टू ओमेगा,
आपने छोड़ दिया क्यूब, अब जान देखिए ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, क्यों? बिकॉज ओमेगा की पावर 3n इज 1 इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है और ये जेई मेंस में और ऐसे एग्जाम में बड़े सर बार आता है, ये सिंपली पुट कर देना है, सिंपली पुट कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं और अब भी मैं यूज कर रहा हूं इसका, अगर कोई प्रॉब्लम आती है से z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज 0 और फिर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दे रखा है, इवैल्यूएट दिस, वो एक्सप्रेशन भी z की टर्म्स में, राइट? तो आप उस पूरी एक्सप्रेशन में z को या तो ओमेगा पुट कर दो या उस पूरी एक्सप्रेशन में z को ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो, राइट? कोई एक पुट करना या ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर और ये सारी प्रॉपर्टीज यूज कर लेना जो मैंने 1-6 में लिख रखी है, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर आपके पास ये दे रखा हो, ये दे रखा हो कि z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इज 0, है ना, z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इज 0, तो क्या करोगे उस प्रॉब्लम में? या तो z को पुट कर देना माइनस ओमेगा या तो पुट कर देना माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अगर इस इक्वेशन के रूट्स ओमेगा स्क्वायर है ना, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन से बता सकते हैं z को माइनस z से रिप्लेस करके इसके रूट्स माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। या दैट्स नॉट अ दैट्स नॉट पर्टिकुलरली अ वेरी इंटेलेक्चुअल थिंग टू से, आई रियलाइज दैट, या बट इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा। तो अगर z स्क्वायर + z + 1 0 है तो z को क्या पुट करेंगे? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एंड z स्क्वायर माइनस z + 1 0 है तो क्या पुट करेंगे z को? माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, I can't overstate the importance of this. Pata nahi mujhe J mein saal dar saal, J mains mein, and in fact advanced bhi, kitni problems is identity pe aaye. Kuch bhi nahi kiya bhai, polynomial ko roots ke term mein factorize kiya. So z cube minus 1 is equal to z minus 1 into z minus omega into z minus omega square, and this is an identity. आइडेंटिटी का मतलब z की सारी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के लिए ट्रू है, मतलब आप इस स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी में z को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पुट कर सकते हो। ओके, सिमिलरली z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू z माइनस ओमेगा इनटू z माइनस ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो एन आइडेंटिटी। आप z को कुछ भी चाहे पुट कर सकते हो इस इक्वेशन में, इट डजंट रियली मैटर, सारी की वैल्यूज ये एडमिट कर लेगा फंक्शन, राइट? इंपॉर्टेंट पॉइंट। कम टू एन रूट्स ऑफ यूनिटी, एन रूट्स ऑफ यूनिटी पे आते हैं। अब देखिए एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया ना आपने जो इन इक्वेशंस को सैटिस्फाई करता है, किस इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है? z की पावर n इक्वल टू 1 को, उसको क्या कहते हैं? एन रूट्स ऑफ यूनिटी, राइट? अब nth roots of unity form कैसे form होता है? ऐसा form होता है, उसको satisfy करने वाले equation ऐसी होती है, it's cos 2k pi by n plus r sin 2k pi by n, is it okay? Great. अब देख रहे हैं ये actually expression, and this is actually e to the power i 2 by n, is it that hard to see? याद है e की power i theta क्या बताया था? Cos theta plus r sin theta, use कर लिया भाई OLS proposition, right? अच्छा मैंने K miss कर दिया, gosh, one can't be too careful, can one be, right? So अब K की value कहाँ से कहाँ तक apply करके देखें, 0 से n minus 1 तक, is that okay? तो मैं ऐसे side में लिखने की कोशिश करता हूँ कि इसके roots कैसे आएंगे, K को 0 over put करोगे ना, K को 0 put करोगे तो 1 आएगा, K को 1 put करोगे ना तो आएगा e की पावर i 2 पाई बाय n, है ना, k को 2 पुट करोगे ना तो क्या आएगा? e की पावर i 2 पाई बाय n, k को 3 पुट करोगे ना तो e की पावर i 3 पाई बाय n, 6 पाई बाय n, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ऐसे ही रूट आएंगे ना इसके। तो इन फैक्ट इसके रूट आएंगे 1, अच्छा देखो अगर e की पावर i 2 पाई बाय n पर अल्फा ले लिया तो आपको दिखता है नेक्स्ट जो क्वांटिटी है 4 पाई बाय n वो अल्फा स्क्वायर हो जाएगी, आपको दिखता है नेक्स्ट जो क्वांटिटी है e की पावर i 6 पाई बाय n वो अल्फा की पावर 3 हो जाएगी,
एंड सो लास्ट रूट क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर एन माइनस वन, ऐसा ही रूट होगा राइट। आपको दिखता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड रूट ऑफ यूनिटी का स्पेशल केस है। क्यों आप एन को थ्री पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आपके पास रूट्स क्या है, थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में वन ओमेगा माइनस स्क्वायर, आपको दिखता है ऐसे रूट्स आ रहे हैं, वन अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा टू द पावर थ्री, अल्फा टू द पावर ऑल द वे टू एन माइनस वन राइट। ओके अच्छा अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लेम है, और आपको पता है अलजेब्रा में क्या इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिल चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ट्रिवियल चीजें का मतलब वो चीज आपको लगेगा अरे मैं अभी जो कुछ बोलने वाला हूँ आपको लगेगा ट्रिवियल है, ट्रिवियल मतलब इतनी भी क्या इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे, मैं एक जेई की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, हम ब्यूटिफुली सॉल्व करेंगे, हम साथ साथ वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंड वी आर डन। क्या मैं कह रहा हूँ कि z की पावर n इक्वल टू 1 को सैटिस्फाई करने वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्टिंक्ट होंगे जिनका मॉडुलस 1 होगा। क्यों? देखो आप z के डिफाइन के लिए आपको दिखता है ये cos थीटा प्लस alpha sin थीटा है, इसका मॉड तो 1 है, ये तो पता चल गया आपको है ना। अब डिस्टिंक्ट होंगे ये कैसे पता चला, ऐसे पता चला भाई, ये देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा, जीरो। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट निकालने के लिए आप क्या पुट करोगे, k की वैल्यू 1, तो आर्गुमेंट क्या आ जाएगा 2 पाई बाय n। थर्ड का आर्गुमेंट क्या आ जाएगा आपके पास 4 पाई बाय n। नेक्स्ट का आर्गुमेंट क्या आ जाएगा 6 पाई बाय n। तो आपको दिखता है कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस इक्वल है बट उनका आर्गुमेंट डिफरेंट है, तो वो मतलब मॉडुलस इक्वल है मतलब ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है राइट, बट आर्गुमेंट सेम नहीं है मतलब अलग अलग है। तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो z की पावर n इक्वल 1 को सैटिस्फाई करते हैं वो क्या होने वाले हैं, क्या होने वाले जल्दी बताओ, डिस्टिंक्ट, और जिनका मॉडुलस क्या होने वाला है 1, मतलब वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होंगे 1, याद रखिएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है हम बड़ी सारी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री यूज करके सॉल्व करते हैं, और अगर ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो पंगा हो जाएगा ऑब्वियसली। क्या कह रहा हूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसके सोल्यूशन है, जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, वो लाई करेंगे कहां लाई करेंगे, वर्टिसेस पे, किसके वर्टिसेस पे, रेगुलर पॉलीगन के, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के। इनफैक्ट मैं यहां पे ये भी ऐड कर देता हूं, हूज सेंटर इज ओरिजिन, हूज सेंटर इज ओरिजिन। आपको दिखता है जो फर्स्ट रूट था z नॉट सोचो क्या होगा, जब k की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, cos 0 प्लस alpha sin 0 1 होगा। मैं बस दो तीन करके बताऊंगा राइट, बिकॉज हमें और भी कुछ करना है और आप जानते ना कि टाइम इंफिनिट नहीं है। तो z1 क्या होगा, आप खुद से सोचो क्या होगा, cos 2 के पाई 2 पाई बाय n इसका आर्गुमेंट बता दो क्या है 4 पाई बाय n, तो आप मेरे से एग्री करते हो कि इसका मतलब ये एंगल भी 4 पाई बाय n होगा, मतलब 2 पाई बाय n होगा, तभी तो ये पूरा एंगल जाके 4 पाई बाय n होगा। सिमिलरली आप एग्री करते हो कि ये एंगल 6 पाई बाय n होने के लिए ये भी एंगल 2 पाई बाय n होगा राइट। तो आपको दिखता है ये जो पॉइंट्स है आपको दिखता है कि रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस के अलोंग लाई करने राइट, ये बात याद रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका सेंटर ओरिजिन पे लिखता है यस। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, बोला है कि सेंट्रल एंगल इज 2 पाई बाय n, ऑब्वियसली ये एंगल क्या है आपस 2 पाई बाय n। ओके वर्टिसेस लाई अलोंग अ यूनिट सर्कल सेंटर एट ओरिजिन, ऑब्वियसली ये वर्टेक्स अगर एक रेगुलर पॉलीगन के अलोंग लाई कर रहे हैं वो सर्कल पे तो लाई करेंगे, और उनका उन सर्कल का सेंटर ओरिजिन तो होगा ही। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, उसका रेडियस यूनिटी है। आप अग्री कर चुके हैं कि ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर वन यूनिट डिस्टेंस पे हैं, क्लियर है ये बात, ग्रेट।
चलिए मूविंग ऑन. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. I can't possibly overstate the importance of this point. This is a very important point. Why? Because you employ this frequently to solve problems. It's not angular as you think it is. Oh, it's very straightforward. Itna bhi angular nahi hai. The way it's pretending to be. Yeah, no, it's fine. Aapko dikhta humne kya likha hai? ये दिखता है क्या है? एंथ रूट ऑफ यूनिटी. तो ये क्या है? सम इज जीरो. ऑब्वियसली जीरो टू पावर एन इक्वल टू वन के रूट्स का सम जीरो. आप देख रहे हैं क्योंकि एन जो है जी की पावर एन माइनस वन का कोएफिशिएंट इज जीरो. दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू. एन इक्वल टू वन पे वन आ जाएगा. वो केस जाने देते हैं. दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू. अब मुझे बताओ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जीरो है जो कि है, कब जीरो होगी? जब उसका रियल पार्ट भी जीरो हो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो. तो इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन ये भी आ जाएगा फिर. ग्रेट, चलो हम वापस से आ जाते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इंसिस्ट करूंगा आप ये याद रखिए. तो बिल्कुल याद रखिए, फैक्टराइज फॉर्म में देर आर नो इफ्स एंड बट्स. मतलब अगर यहां से आप हैंड रिंग करके निकलना चाह रहे हैं कि नहीं हम ये आइडेंटिटी बिना याद रखे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, द आंसर इज आप कर ही नहीं पाएंगे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व. इट्स दैट इंपॉर्टेंट. सोचिए कि अगर इसके रूट्स हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर ऑल द वे टू अल्फा टू एन माइनस 1. अच्छा, या कभी कभी जो अल्फा अल्फा स्क्वायर ये सब देखा था ना, अभी आपने देखा था ना आर एफ, इसको वो अल्फा 1 कह देते हैं, इसको अल्फा 2 कह देते हैं, इसको वो अल्फा एन माइनस 1 कह देते हैं. कोई बात नहीं, ये है. So these two identities are true. But these are very important identities. कुछ भी नहीं किया, factorize कर दिया. आप जानते हो भाई, मैं बता ही देता हूं. आप जानते हो कि that if a n x to the n, a n minus 1 x to the n minus 1, that's all the way a 2 x square plus a 1 x plus a not equal to 0, कोई polynomial है, उसके roots alpha 1, alpha 2, alpha 3, all the way up to alpha n है, अब इसे agree करोगे ना कि ये true हो जाता है, that an, x to the n, an minus 1, x to the n minus 1, plus so on a not, ये equal हो जाता है a not into x minus alpha 1, into x minus alpha 2, all the way up to x minus alpha n. Of course, Gaussian factorization कर दिया, right? यही यहाँ पे किया है. I want you to cram this result. इस result को cram कर लो. हम use करने वाले. चलिए, now we come to problems. आज हम problems पे. Here we come. The first problem. It says that omega square are the omega are the cube roots of unity. Okay, not equal to one, मतलब non-real roots है. The minimum value of this when a, b, c are distinct non-zero integers. अच्छा, distinct है और non-zero है. इसकी वैल्यू लीस्ट निकालनी है, इसकी लीस्ट निकालनी है. देखिए, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर की लीस्ट निकालनी है. अब मैं वापस आपसे पूछूंगा, क्या ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट दिखते हैं और उसका मॉडुलस दिखता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मॉड ऑफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू जी कॉन्जुगेट. इसको क्या लिखोगे आप? जी इंटू Z conjugate मतलब A conjugate is A. क्यों भाई? Because A is integer. A अगर integer है, तो it must be purely real. And if A must be purely real, तो A का conjugate must be A. Same argument goes for B. But omega conjugate क्या जगह? Omega square. And omega square का conjugate omega. Right? Are we good? Great. So simplify करो. And what I see here is मुझे क्या दिखता है? It's A square. प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. चलो ए बी के साथ देखो क्या आएगा. ए बी के साथ आएगा ओमेगा स्क्वायर, बट ए बी के साथ और भी कुछ आ रहा है ओमेगा. ओके, सिमिलरली बी सी के साथ देखिए क्या आएगा. ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा. ओह इंटरेस्टिंग. प्लस सी के साथ क्या आ रहा है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. मैंने बोला था आपको कि प्रॉपर्टीज याद करने,
क्या होता है, वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जीरो। तो फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन। दिस सिंपली इसको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, राइट। सो विच इज वन बाई टू, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। याद रखिएगा ये बी सी इंटीजर्स है, आप जानते हैं बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, राइट। ग्रेट, अब एक बार देखो इसको, इसकी लीस्ट वैल्यू निकालिए, राइट। मुझे समझ में आता है कि लीस्ट निकालनी ए बी सी इंटीजर्स है, यार अच्छा तो होता कि इसकी लीस्ट जीरो आ जाती। नहीं, कब आ जाते जीरो, जब ए बी सी इक्वल हो जाते। सोचो ना, ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल, लीस्ट वैल्यू जीरो हो गए, जीरो से कम इसकी वैल्यू थोड़ी होगी क्योंकि क्योंकि स्क्वायर है ना। ये बात तो क्लियर है, बट पंगा हो गया यार, ए बी सी लीस्ट आई मीन ए बी सी है नहीं, इक्वल हो नहीं सकते। तीनों को तीनों को इंटीजर्स होना है बट तीनों इक्वल नहीं हो सकते, इनफैक्ट तीनों ही डिस्टिंक्ट है। अगर तीनों डिस्टिंक्ट नहीं होते मतलब तीनों इक्वल हो सकते, तब आप अग्री करते हैं आंसर जीरो हो जाता है। अब क्या करें, अब देखो मिनिमाइज करने का सोच रहे हैं। अच्छा, हम ऐसा करें कि तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लें, लाइक ए ले लें, ए प्लस वन ले लें, ए प्लस टू ले लो। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि नहीं तीन कंसेक्यूटिव नहीं ले, कुछ और ले लो, लाइक ए ए प्लस टू और कुछ ए प्लस थ्री भी लोगे ना, तब भी मैं कहूंगा, आर्ग्यू करूंगा कि ये सम इस सम से ज्यादा आएगा। इनफैक्ट ये सम ही लीस्ट होगा, मैं आर्ग्यू करूंगा। जब तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे तभी सम लीस्ट होगा। क्यों, सोचो इसमें ज्यादा क्यों आएगा। देखो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा प्लस वन, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा वन, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा टू। बट यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा टू, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा वन, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा थ्री। तो ये वैल्यू उस वैल्यू से ज्यादा हो गई या नहीं होगी, राइट। तो जैसे ही आप कंसेक्यूटिव नहीं लोगे ना भाई, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू सी कि ये क्वांटिटी मिनिमम नहीं होगी, राइट। तो कैन वी से, हम ये बोल सकते हैं दैट फॉर द सम टू बी मिनिमम, सम टू बी मिनिमम, पिक थ्री कंजुगेटिव इंटीजर्स। ग्रेट, तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू सोचिए ना। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या था वन, तो वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा वन। चलो देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या था वन, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा वन। इन दोनों का डिफरेंस क्या था टू, तो टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा फोर। इज दैट ओके, सो फोर प्लस टू इज सिक्स, सिक्स अपॉन टू इज थ्री, एंड वी डन। तो लीस्ट वैल्यू क्या आ गई थ्री, इंटीजर लाइक प्रॉब्लम हो गया मींस की। ग्रेट, चलो बताओ which brings me to this problem. It says z naught is the root of x square plus x plus 1 equal to 0. J means ki last year ki. Right? Aap bola ki z is 3 plus 6 aorta plus z naught 81 minus 3 z naught ki power 93. Humne kuch discuss kiya abhi theory ki agar iska z naught ek root hai jo ki de rakha hai root hai. कुछ डिस्कस किया है कि आप क्या करते हैं, या तो आप z नॉट को ओमेगा पुट करते हैं, या तो आप z नॉट को क्या पुट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर। अभी बोला था ना हमने कि अगर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर z प्लस 1 0 तो z को पुट कर दो या तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, और अगर z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 0 तो क्या पुट कर दो z को या तो माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर। ग्रेट, तो हम ओमेगा पुट कर देते हैं, मैं कर रहा हूं यार, करो इसको, कर दो 81। अब मैं ओमेगा की प्रॉपर्टीज यूज करूंगा। ये नंबर थ्री का मल्टीपल दिखता है, क्या होता है ओमेगा की पावर थ्री का मल्टीपल वन, ओमेगा की पावर थ्री एन वन था अभी हमने देखा था। ये नंबर क्या थ्री का मल्टीपल दिखता है, ओमेगा की पावर थ्री एन क्या वन है, वापस ये वन हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, दिस इज थ्री प्लस सिक्स आरोटा माइनस थ्री आरोटा, थ्री प्लस थ्री आरोटा विच इज थ्री इंटू वन प्लस आरोटा, वन प्लस आठ का आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा फाइव बाई फोर, वन प्लस आठ का आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा फाइव बाई फोर, एंड वी डन, दैट इजी नहीं। तो अगर हमने वो याद रख लिया कि दैट इज जी स्क्वायर प्लस जी प्लस वन इज जीरो, फिर जी एज ओमेगा ओमेगा स्क्वायर,
आई थिंक इट्स अ गुड हैक, अच्छा सा हैक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा. नेक्स्ट, मैं पॉज ले रहा हूं 5 सेकंड का, देख के कुछ फीलिंग के लिए क्या यूज करेंगे, एनी फीलिंग, आई डोंट केयर. कुछ फीलिंग आती है क्या यूज करेंगे, ये कोई फीलिंग नहीं आती, जस्ट 5 सेकंड में पॉज दिया. कोई भी फीलिंग आती है कि ये यूज करेंगे या नहीं आती है? ओके, देखते चलो. मुझे दिखता क्या, मुझे दिखता है 1 × 2 − ω × 2 − ω² दैट्स अ टाइपो देयर, इट्स अ टाइपो, ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर. 2 × 3 − ω, 3 − ω² प्लस ऑल अप टू n − 1 × n − ω × n − ω² और जो मुझे दिखता है इनफैक्ट 2 − 1 × 2 − ω × 2 − ω² प्लस 3 − 1 × 3 − ω × 3 − ω² प्लस ऑल द वे अप टू n − 1 × n − ω × n − ω² यही करना है, राइट? ग्रेट, इसको डीलिमिटेड फॉर्म में लिख लेते हैं, डीलिमिटेड मतलब सिग्मा की फॉर्म में लिख लेते हैं. क्या आ जाएगा, सिग्मा इज दैट आई सी r − 1 × r − ω × r − ω² and where r runs from, r को मैं रन कर देता हूँ 1 to n. अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, नहीं भाई r 2 से शुरू क्यों नहीं किया, r 1 से क्यों कर दिया, तो मैं कहूंगा कि अच्छा होता है 1 1 से शुरू करना. अगर r को 1 यहाँ पे पुट कर भी दोगे, r को 1 पुट कर भी दोगे तो ये वैल्यू 0 आती दिखती है, दिखती है तो क्या फर्क पड़ता है, 0 ऐड कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है. बट आप देखेंगे ना कि सिमेट्रिक मैथ्स में यहाँ पे तो स्कोप नहीं है, यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, बट मैथ्स में सिमेट्री एक्सप्लॉइट करने बहुत एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, राइट? तो अच्छा होता है कि हम आर को 0 से एन तक ले जाए रादर देन आर को 1 से एन ले जाए, ये सॉरी आर को 1 से एन ले जाए रादर देन आर को 2 से एन ले जाए, आर को हम 0 से एन 1 से एन ले जाए रादर देन हम आर को 1 से एन माइनस 1 ले जाए, बेटर होता है. खैर, हम आते हैं इस पार्ट पे. कुछ कहीं फील आ रही है, कुछ देखा है ऐसा? नहीं फील आ रही है तो शर्म होगी. I'm just kidding. This is, I'm turning pages. ये अपने दिमाग में याद रखो, ये expression. अब ये देखो, दिखता है आपको z − 1 × z − ω × z − ω² दिखता है? वहां पे क्या लिखा हुआ था, r − 1 × r − ω × r − ω² क्या करें, इस आइडेंटिटी में z को r पुट कर दें, कर दें. अगर आपने इसमें z को r पुट कर दिया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, r³ − 1 एंड बेटर, राइट? वहां पे आपने z को r पुट कर दिया एंड दिस इज r³ − 1. इज दैट ओके? अब तो इसमें बचत हो रही है कुछ, ये 1 टू n r³ − σ1 r runs from 1 to n. आपको दिखता है ये sum of cube of n natural numbers. क्या होता है sum of cube of natural numbers? n × n + 1/2² - आपको दिखता है 1 को add किया, कितनी बार add किया 1 को? n times. This is n. Get it? Clear है ये बात? यही पूछा गया था. आपने देखा कि अगर आपने वो identity याद रखी हुई है तो problem कितनी आसान हो जाती है. इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा. अब ये मैं आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा ये सोचने के लिए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी. टेन सेकंड्स. nth रूट ऑफ यूनिटी है ये A1, A2, जो all up to an है, वो बचे हुए n roots of unity है, right? 10 सेकंड हो गए, over, खत्म हो गए भाई. Now, क्या हमने डिस्कस किया था? ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है. ये देखो,
आपको दिखता है वहां पे सिंपली क्या किया है, इस आइडेंटिटी में जी को वन पुट किया। सोचो अगर आप जी को वन पुट कर दोगे, यहाँ पे जी को वन पुट कर दोगे, आ जाएगा ना वन माइनस अल्फा वन इंटू वन माइनस अल्फा टू इंटू ऑल द वे टू वन माइनस अल्फा एन, नहीं आ जाएगा। तो जी को क्या पुट करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको वन। तो आपको दिखता है अगर जी को वन पुट करोगे तो सारी क्वांटिटीज वन हो जाएगी, राइट। तो ये शुरू कहां से हुआ है, जी की पावर जीरो से, गया कहां तक है, जी की पावर एन माइनस वन तक। जीरो से एन माइनस वन तक कितने टर्म्स हो जाएंगे, एन। क्या सब टर्म की वैल्यू वन है, तो क्या पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एन आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो सिंपली क्या पुट करना है उसको, जी को वन पुट कर दे, पुट जी एज वन इन दैट एक्सप्रेशन, दैट एक्सप्रेशन एंड द वैल्यू इज एन। हो गई ना। आपने देखा कि आइडेंटिटीज कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी के गया, आई डोंट नो कुछ वो कर दिया, ट्रंकेट हो गया ईयर। चलिए एनीवे, आर वी डन विद द प्रॉब्लम, ग्रेट। अब हम आ जाते हैं इस पे, अब ये देखने से बड़ी इंटिमिडेटिंग लगती है, देखने से, मेरी बात सुनिएगा, देखने से देखने से तो यार डर लगता है यार, क्या लिख दिया पता नहीं, है ना। बट एक बार हम आ जाते हैं इस प्रॉब्लम में, क्या हम इसको अलजेब्रिकली कर सकते हैं, ऑफकोर्स, बट हम क्या इसको अलजेब्रिकली करने वाले, नो। देखिए एक ही है क्या, मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, एक ही है क्या यार, nth रूट ऑफ यूनिटी ऐसे तो मुझे नहीं दिख रहा, बिकॉज आपको याद है nth रूट ऑफ यूनिटी किस फॉर्म की होती थी, इस फॉर्म की होती थी, cos 2k pi by n plus iota sin 2k pi by n, नहीं ये उस फॉर्म में तो मुझे दिख नहीं रहा। बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, cos k pi by 7 plus iota sin k pi by 7, को आप लिख सकते हो cos 2k pi by 14 plus iota sin 2k pi by 14। हाँ अब दिख गया, आपको दिखता है एक ही क्या है, एक ही आर द रूट्स, रूट्स है भाई, जीरोज है, किसके जीरोज है, ऑफ z टू द पावर 14 इक्वल टू 1 के होंगे ना, होंगे नहीं होंगे, ओके। अब इसकी वैल्यूज निकालनी है, वैल्यू वैल्यू निकालनी है, राइट। अरे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ कट करके यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। अब मुझे बताओ कि हमने अभी सीखा है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी का ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन कुछ होता है, क्या था कि वो लाई करते हैं, कहाँ लाई करते हैं, वर्टिसेस पे, किसके वर्टिसेस पे, रेगुलर पॉलीगन के, किसके रेगुलर पॉलीगन, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 14। तो आप मेरे से अग्री करोगे कि ये जो रूट्स होंगे a के 14 साइडेड रेगुलर पॉलीगन लाई करेंगे, ये क्लियर है या नहीं है, ग्रेट। अब देखो मैं एक डायग्राम वहां से कट करता हूँ, कट नहीं किया, कॉपी कर लेता हूँ एटलीस्ट, वो डायग्राम हम बना ही चुके हैं, तो फिर क्यों हम वापस से बनाए, या दिस इज द डायग्राम, ऑलराइट, सो आई थिंक कॉपी कर लिया मैंने, let me paste it here, paste kar raha hu, great। ab dekho, ab main aapse question puchunga, oh my gosh, ye maine kya kar diya, yahan nahi paste karna tha, right, yahan paste karna tha, chalo koi baat nahi, jab main aapko ye notebook bhejunga to usko delete kar dunga wahan pe, abhi hum time kyun waste kare, ek bar dekho आप वेक्टर फॉर्म पे आ जाओ, आपको दिखता है ये वेक्टर है, क्या वेक्टर है, आपको दिखता है ये k प्लस वन वेक्टर है, आपको दिखता है ये k वेक्टर है, और ये उन दोनों का वेक्टर डिफरेंस है और उसका मॉडुलस है। अस्यूम करो कि ये k वेक्टर है, अस्यूम करो ये k वेक्टर है, तो आप मेरे से अग्री करते हो कि ये जस्ट k प्लस वन वेक्टर हो जाएगी, राइट। अच्छा, इन दोनों का वेक्टर डिफरेंस
क्या ये वेक्टर आएगा, क्या ये वाला वेक्टर आएगा, देखो सोचो क्या ये वाला वेक्टर आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, राइट। उसका मॉड लोगे, उसका मॉड लोगे तो आपको दिखता है ये वाली लेंथ आ जाएगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी ना, और ये वाली लेंथ तो सेम होगी सभी के लिए, क्यों, बिकॉज ये रेगुलर पॉलीगन है तो साइड लेंथ है, साइड लेंथ तो सारे में सेम होगा, कोई नहीं होगा, राइट। मॉड ऑफ ए के प्लस वन माइनस ए के, आपने से अग्री कर दिया कुछ भी नहीं है, वो साइड लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन, राइट। अब देखो तो ये क्या डिनोट कर रहा है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन, उसको एल ले लिया, कितनी बार ऐड किया आपने उसको, 12 बार, तो न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ होगा, 12 टाइम्स द लेंथ ऑफ, माय गॉश, 12 टाइम्स द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन, राइट, अपॉन डिनोमिनेटर में आते हैं। यार देखो ये कंफ्यूज करने के लिए 4k माइनस 1 और 4k माइनस 2 लिखा हुआ है, अभी भी आपको दिखता है ये दो कंसेक्यूटिव रूट्स हैं, 4k माइनस 1 और 4k माइनस 2, क्या दो कंसेक्यूटिव रूट्स होंगे, होंगे ही होंगे, राइट। और उन दो, अब जैसे दो कंसेक्यूटिव रूट्स आ गए तो उन दोनों का भी वेक्टर डिफरेंस, क्या यही वेक्टर होने वाला है, और क्या उसका मैग्नीट्यूड, इज इट गोइंग टू बी साइड ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन, तो वो भी क्या l के इक्वल होगा, तो मैं से अग्री करता हूँ ये भी l के इक्वल है, ये पूरी क्वांटिटी भी l के इक्वल है, राइट। कितनी बार ऐड किया आपने इस क्वांटिटी को, 3 टाइम्स, तो मेरे पास आ गया जाएगा 12l / 3l, यही आ गया आंसर, व्हिच इज 4 एंड वी आर डन, सो द आंसर शुड बी 4 एंड वी आर डन, कोई प्रॉब्लम आपने देखा, हमने ज्योमेट्री यूज किया और कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये नहीं देखो, आई एम होपिंग आपने देखो, ग्रेट, मूविंग ऑन, चलिए देखिए अब लास्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। इट इज दैट, अच्छा देखिए, बेयर विथ मी, आई रियलाइज 1.5 घंटे हो चुके हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा सा टॉपिक है, और मुझे आधे घंटे और लगेंगे, तो होल्ड इट विथ मी, राइट। टॉपिक बच रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रुक के रहिएगा, ओके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लोकस, प्रॉब्लम आती है, मैं लेके आया प्रॉब्लम जेई की, आपके साल की, सो बेयर विथ मी। सी क्या है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर से, ग्रेट। अब बोला जा रहा है कि जी स्क्वायर जो है ना वो जी कॉन्जुगेट के इक्वल है, अच्छा देन इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, अच्छा ठीक है। अब एक आइडिया ये हो सकता है कि जी को एक्स प्लस आर्ट वाई ले, राइट, बट उससे प्रॉब्लम जबरदस्ती का लेंदी हो जाएगी, मुझे लगता है आपको भी लगता होगा, ऐसा नहीं लगता, लगता होगा, एक्सक्यूज मी। तो ऐसी प्रॉब्लम से हम जनरली ये करते हैं कि देखिए यहाँ पे तो मे बी लेंदी नहीं भी होगी, बिकॉज 2 डिग्री का है, बड़े से डिग्री की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर लेंदी हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, ये करते हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है तो क्या उनके मॉडुलाई भी इक्वल होंगे, है ना, तो क्या ये कहना ठीक होगा, तो क्या ये कहना ठीक होगा, क्योंकि मॉड ऑफ जी कॉन्जुगेट इज एज गुड एज मॉड ऑफ जी, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि दैट मॉड ऑफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी, यस। तो इसका मतलब या तो मॉड ऑफ जी 0 है या तो मॉड ऑफ जी 1 है ना, देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मॉड ऑफ जी 0 और मॉड ऑफ जी 1 वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे, नो, बट मैं ये कह रहा हूं कि इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या तो 0 होगा या 1, दो बातों में डिफरेंस है, रिपीट कर लीजिएगा इस बात को, ओके। मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा कि जब जब मॉड ऑफ जी 0 हो और मॉड ऑफ जी 1 हो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सैटिस्फाई करेंगे, उल्टा बोला है कि जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको सैटिस्फाई करेंगे उसके लिए मॉड ऑफ जी की वैल्यू या तो 0 या 1, राइट। मॉड ऑफ जी 0 एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है, 0 के लिए, और 0 इतना मुश्किल नहीं है, देखना 0 इसका सोल्यूशन है ना, तो एक सोल्यूशन तो आ गया, ओके। अब जो बचे हुए कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे उन सभी का मॉडुलस 1 होगा, आप अग्री करते हो। अब जो इस इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स को सैटिस्फाई करेंगे उन सभी का मॉड 1 है, कैसे यूज करें, ऐसे यूज करते हैं इसको z से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट, फिर क्या आएगा, z के इक्वल z कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड ऑफ z स्क्वायर, मॉड ऑफ z स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1, z के इक्वल 1 सॉल्व कर रहे हैं आप, इसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, और हम जानते हैं कि 3 रूट्स अलग अलग होंगे, क्यों अलग अलग होंगे, बिकॉज याद है मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था आपको कि z की पावर n इक्वल टू 1 के सारे रूट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, राइट। तो इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए, यहाँ पे एक रूट था,
कितने रूट हो गए, चार एंड वेडम, फोर एलिमेंट्स, आंसर आ गया प्लस। अगर आपको लग रहा नहीं नहीं एक्सप्रेस आटा भाई अच्छा मेथड था, तो अब अच्छा मेथड नहीं होगा। मैं पूछूंगा इसके कितने रूट्स होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आई डोंट थिंक आप एक्स को एक्स जेड को एक्स जी को एक्सप्रेस आटा भाई करोगे, नहीं करोगे ना, ये मेथड ठीक चलेगा ना वहां पे? हाँ तो कर लीजिए आप एक्सप्रेस आटा भाई, बट एक दूसरा भी मेथड देखने में क्या जाता है, राइट, जो ज्यादा जनरल है। ग्रेट, चलिए देखिए अब हम आ जाते हैं रोटेशन पे। अब देखिए रोटेशन से मीन्स में प्रॉब्लम्स नहीं आई है, ऐसे ले लिया है टॉपिक के लिए तो मैंने प्रॉब्लम्स नहीं लिए। फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को e की प्लस आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, ये याद रखिए। अब कि आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट कर रहे हैं अबाउट ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस बाय एन एंगल थीटा। ओके, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, राइट, और अगर आपने उसको e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब नया कॉम्प्लेक्स नंबर z की पावर आयोटा थीटा आ गया, तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय रोटेटिंग z बाय एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस अबाउट ओरिजिन। याद रहेगी बात, इज दैट ओके? अगर थीटा नेगेटिव आ गया तो फिर वो रोटेशन किसमें हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में, सिंपल सी बात है। ग्रेट, अब ये है रोटेशन विदाउट स्केलिंग, ये है रोटेशन विद स्केलिंग। विद स्केलिंग मतलब मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बता देता हूँ क्यों ये ट्रू है, बाकी प्रॉब्लम्स हम नहीं लेने वाले इस पे, जब जे एडवांस के लिए करेंगे फिर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम्स जनरली नहीं आती हैं जे मेंस में। देखो ऐसे देखो, इसको इसको रोटेट करना है। अच्छा रोटेट कैसे करें, अच्छा आपको दिखता है मैंने क्या नहीं बोला, बट जो इम्प्लिसिट है कि z का मॉड और z की पावर e आल्फा थीटा का मॉड इक्वल है, आपको दिखता है ये, है ना? इसीलिए ये टिप और ये टिप कौन सा इट आएंगे, नहीं तो हम कह रहे कि z को e की पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई करोगे ना तो z e की पावर आई थीटा आ जाएगा, दैट्स द थिंग, राइट? सो अब ये कैसे आ गया, ये एक से कैसे आ गया, नहीं ओके okay. अच्छा एक बार देख रहे हैं यार, ये z2 वेक्टर है, ये z1 वेक्टर, वेक्टर की टर्म्स में बात करते हैं तो ये पूरा वेक्टर क्या आ जाएगा, ये जो डायरेक्टेड वेक्टर ही क्या आ जाएगा, इज इट z2 माइनस z1, है ना? अच्छा सिमिलरली ये z3, ये z1 है, ये वेक्टर क्या आ जाएगा बस, z3 माइनस z1। मुझे बता दो e की पावर i थीटा से मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या बताया था आपने, क्या मतलब बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रोटेट करेंगे फिर एंगल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इज दैट क्लियर? यस, कोई प्रॉब्लम है नहीं? अब देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो एक बार आई थीटा से, मुझे नहीं पता यार कि वो इससे कॉइंसाइड करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इसकी लेंथ इक्वल होगी या नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड ट्रिक यूज करते हैं, हम यूनिट वेक्टर ढूंढते हैं। एक वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बताओ, ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन दिस हो जाएगा ना, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अच्छा ये दोनों तो वेक्टर अब यूनिट लेंथ के होंगे, अब ये तो मैं श्योर हो गया कि इस यूनिट वेक्टर में अगर थीटा e की पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये यूनिट वेक्टर ऑब्टेन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपको दिखता है ये लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर में e की पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई किया दूसरा यूनिट वेक्टर आ गया, राइट? दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन। चलो मूविंग ऑन, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मैं बस कंडीशन लिख के छोड़ रहा हूँ, याद रखिएगा इसको। अगर z1 z2 माय गॉश, अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बन रहा है, छोड़ देता हूँ मैं, हाउ बेफिटिंग, राइट, ऑलमोस्ट डिवाइन हैंड ऑफ गॉड गिवन। सो बोला गया है कि z1 z2 z3 वर्टिसेस कब बनाएंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के, जब z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टू बी मेमोराइज्ड, ये याद रखना है आपको। चलो विच ब्रिंग्स मी टू लोकस, लोकस से आ जाते हैं।
जल्दी से समझते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, खत्म करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को. चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो इफ योर एंथुसियाज्म इज फ्लैगिंग प्लीज पिक योरसेल्फ अप. अगर आपका एंथू कम हो रहा है उठ जाइए. नाउ सिट स्ट्रेट, वापस से देखिए. बच्चा ज्यादा नहीं है बट जो बच्चा इंपॉर्टेंट है. ओके, z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू z माइनस z2 का मॉड. अब मुझे बताओ इसका पहले मतलब बताओ. लोकस का मतलब क्या होता है? पाथ. z1 z2 दो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. z ऐसे मूव कर रहा है. अब मुझे बताइए आपने क्या डिस्कस किया था? इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का द डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, राइट? तो मुझे बताइए मॉड ऑफ z1, मॉड ऑफ z माइनस z1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन z एंड z2. z1 z2 फिक्स है भाई, ठीक है. z कैसे मूव कर रहा है? कि डिस्टेंस z1 और z2 से हमेशा फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट है. तो आप अग्री करते हैं z z1 z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करेगा, करेगा ना? ऑब्वियसली अगर एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम है, मस्ट बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अभी एब्सोल्युटली क्लियर? आई एम होपिंग यू आर क्लियर. ओके, ये दूसरे लोकस देखो. मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू r. लोकस इज अ सर्कल विद सेंटर z0 एंड रेडियस r, ऑब्वियसली. क्यों? z0 फिक्स्ड है. देखो z0 फिक्स्ड है, r इज पॉजिटिव. तो इसको इसको अपने मन में इंटरप्रेट करके समझो क्या लिखा हुआ है. ये लिखा हुआ है कि दैट z की डिस्टेंस z0 से r के इक्वल है. तो एक फिक्स पॉइंट है z0 और z ऐसे मूव कर रहा है कि इसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है z0 से. z कैसे मूव करेगा? सर्कल पे. ग्रेट. चलिए देखिए, इफ z माइनस z1 इज इक्वल प्लस z माइनस z2 इज इक्वल k एंड k इज इक्वल टू z1 माइनस z2, देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग k1 एंड k2. देखिए मैं फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूं बस, और फोर्थ में आप पे छोड़ दूंगा कि आप उसका डिस्कशन आप करेंगे फिर, कैसे वो आप देखेंगे इसी आर्गुमेंट पे जिसकी आर्गुमेंट मैं कर रहा हूं. देखिए फर्स्ट केस में डिस्कस करता हूं, ये सब कुछ है. क्या कर दिया? तो मैं ये कट कर रहा हूं और ये थ्योरी का पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं, राइट? चलिए दिस पार्ट ऑफ थ्योरी इज वेर आई डिस्कस. अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरी जो होगा वो मैं आप पे छोड़ दूंगा क्योंकि वो सेम होगा, मतलब इक्वल डिस्कशन है उसका. वेरी क्लियर? आप ये अगर ध्यान से सुन लेंगे तो हो जाएगा. देखिए z1 z2 फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और z मूविंग है. सबसे पहले देखो कोई z1 z2 फिक्स ले लिया, z1 लिया, z2 फिक्स लिया, z मूविंग लिया, है ना भाई? अच्छा आप सोचो z प्लेन में कैसे कैसे हो सकता है. तो z प्लेन में ऐसे हो सकता है कि या तो z z1 z2 कोलिनेट हो जाए, और जब z z1 z2 कोलिनेट हो जाएंगे तो आप अग्री करते हैं कि वो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, राइट? या फिर z z1 z2 ट्रायंगल बनाएंगे. ये बात आप मेरे से अग्री करते हो या नहीं करते हो, राइट? ओके, या तो z z1 z2 एक ट्रायंगल बनाएंगे या तो z z1 z2 एक ट्रायंगल नहीं बनाएंगे. This z1 and this z2 and somewhere is z. पहले वो केस लेते हैं जब z z1 z2 ट्रायंगल नहीं बना रहे. क्या हो रहा है? z z1 z2 ट्रायंगल नहीं बना रहे, z मूव कर रहा है इस पूरे प्लेन में, राइट? आपको इस नंबर पे ध्यान देना है, इस नंबर पे हम इंटरेस्टेड है. आप समझते हो क्या लिखा है? z की डिस्टेंस z1 से एंड z की डिस्टेंस z2 से का सम. ओके, तो z की डिस्टेंस z1 से एंड z की डिस्टेंस z2 से का सम. आप मेरे से एग्री करते हो जब जब ये ट्रायंगल बनेगा, जब जब ये ट्रायंगल बनेगा तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस. Q, because sum of two sides of a triangle is greater than the third side. So mod of z minus z1 plus mod of z minus z2 will be greater than mod of z1 minus z2. ये बात आप agree करते हो नहीं करते हो? कर रहे होंगे, right? तो z जब जब triangle बना रहा होगा z z1 z2, तो ये इन इन दोनों distances का sum इस distance से बराबर आने वाला है.
राइट अच्छा, या फिर क्या हो जाए, जी कोलिनियर हो जाए, कोलिनियर भी दो वे से हो सकता है। कैसे? देखो एक जी यहां लाइक रहे, सोचो अगर जी यहां लाइक रहेगा तो जी की जी वन से डिस्टेंस का सम और जी की जी टू से डिस्टेंस का सम क्या जी वन और जी टू के बीच के डिस्टेंस से बड़ा हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? राइट तो z अगर z2 के राइट भी लाई करता है तब भी मॉड ऑफ z1 z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ये क्लियर है? अगर z यहां भी लाई करता है तो आप अग्री करते हो कि मॉड ऑफ z माइनस z1 मतलब ये डिस्टेंस प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 मतलब z और z2 की डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 मतलब z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस से ग्रेटर हो जाएगी। यस, अभी तक तो ये आया है कि मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 हमेशा ग्रेटर ही है यार मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से, राइट? बट व्हाट इफ z बीच में लाइक करे, z1 z2 के बीच में अगर लाइक करे तो आपको दिखता है उस केस में आपको दिखता है मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 मतलब ये डिस्टेंस क्या इन दोनों का सम मॉड ऑफ z1 माइनस z2 भी इक्वल आ जाएगा और सिर्फ तभी आएगा, है ना? तो मुझे बताइए कि अगर इन दोनों के डिस्टेंसेस का सम मॉड ऑफ z1 माइनस z2 के इक्वल आ रहा है तो क्या z z1 और z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पे लाया करेगा? सोचिए ना किसी भी पॉइंट के लिए ये वैलिड होगा, होगा ही नहीं होगा कि मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2, राइट? आर वी क्लियर? ग्रेट, मूविंग ऑन। तो आपको दिखता है ये फर्स्ट पार्ट हो गया, हो गया। अच्छा, उससे सेकंड पार्ट से जाने से पहले हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड आपको दिखता है नो रियल लेग होगा, क्यों? आपने देखा इसकी k की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, क्या होगी k की वैल्यू? मॉड ऑफ z1 माइनस z2, और वो तब होगी जब z लाई करे ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2, राइट? तो क्या कभी k की वैल्यू लेस देन z1 माइनस z2 हो सकती है? नहीं, बिकॉज उसकी लीस्ट वैल्यू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो आप 3 से एग्री करते हैं कि ट्रू हो जाएगा कि अगर दैट्स लेस देन z1 माइनस z2 कोई रियल लॉस नहीं आएगा, राइट? ग्रेट। टू देखिए, अगर ये हो गया देन एलिप्स देन द लोकस ऑफ z विल बी एन एलिप्स विद z1 z2 as foci, ऑफ कोर्स। क्यों? बिकॉज सोचिए क्या हो जाता है किसी पॉइंट का लोकस, एक सोचिए z पॉइंट मूव कर रहा है, ओके? यहां देखिए मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है कि इन दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट है पर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। उसका लोकस क्या होता है? एलिप्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद कीजिए, ऐसा ही करते थे ना। और वो दो फिक्स पॉइंट्स को आप क्या बताते हैं? फोकाई। नहीं, वो फिक्स डिस्टेंस क्या हो जाती है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये सब तो होती है, राइट? एंड दैट इज पॉइंट टू। सो आई थिंक वी आर डन विद पॉइंट वन, पॉइंट टू एंड पॉइंट थ्री। सिमिलरली फॉर द अदर पार्ट, वो खुद से ट्राई कीजिएगा, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। चलो विद दिस प्रॉब्लम, इसको देखिए। इट सेज दैट इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सी इक्वेशन है भाई? मॉड ऑफ z माइनस i इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1। आई थिंक दिस इज डेड, मतलब इसको स्लैम डेड। आपको दिखता है मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन व्हिच इज द परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग i एंड 1। ऐसा ही तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाती है प्रॉब्लम, इसमें कोई मुश्किल है नहीं? इज देयर ओके? तो आंसर क्या आ जाएगा? लाइन मैं लिख ही देता हूँ, मैं बना देता हूँ डायग्राम। चलो बताओ z के डिस्टेंस कहां से? 1 से। 1 यहां पे होगा, इज इक्वल टू z के डिस्टेंस आयोटा से। आयोटा ये होगा 0.1। क्या आएगा लोकस? लोकस आ गया आपका स्ट्रेट लाइन। कैसी स्ट्रेट लाइन? परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगी। क्या लाइन की स्लोप है? 1 ऑब्वियसली, एंड वी आर डन। नहीं, इसमें तो कुछ था नहीं यार, इसको हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते, बना ही देता हूँ। इसके बाद एक ही प्रॉब्लम बच रही है तो मैं बना ही देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इसको ये दे देता हूँ। फिर क्या करते बताओ? फिर कैसे सॉल्व करते? लोकस निकालने बोलते तो आप क्या जी को एक्सप्रेस वाई लिखते? अरे नहीं, हम इसको ऐसा लिखते हैं। देखो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट। एक बार देख के बताना, ये और ये सेम दिखता है क्योंकि
iota का कॉन्जुगेट इज माइनस आयोटा. अच्छा, सम ऑफ कॉन्जुगेट्स इज द कॉन्जुगेट ऑफ सम. इसको ऐसा लिखा जा सकता है? यस, है ना. अच्छा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, मैं कह रहा हूं यस. क्यों क्यों लिखा जा सकता है? क्यों भाई बता दो. इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है बिकॉज एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इज एज गुड एज द मॉडुलस. एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज एज गुड एज उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस. आपको दिखता है ये मॉड ऑफ जी माइनस जी वन इज इक्वल मॉड ऑफ जी माइनस जी टू. ये दिखता है आपको, ये लिखा हुआ. लोकस क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग माइनस आयोटा एंड वन. एंड वी डन. नहीं, ऐसा तो कुछ करना ही नहीं पड़ा यार. कोई आपसे पूछ दे, स्टिल लिंगरिंग ओवर दिस प्रॉब्लम, रुक रहे हैं इस प्रॉब्लम पे थोड़ी देर के लिए. ये ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे? मुझे ज्योमेट्रिकली मतलब पढ़ के बताओ, वो सब मत करो कि क्या है क्या नहीं है. मतलब बताओ, z की डिस्टेंस ओरिजिन से इज एज गुड एज z की डिस्टेंस 1 से इज एज गुड एज z की डिस्टेंस इज एज गुड एज z की डिस्टेंस आयोटा से. यही है ना. मतलब z की डिस्टेंस इन तीन पॉइंट से सेम आनी चाहिए. आपको दिखता है ये तीन पॉइंट से ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट. अब मैं पूछूंगा आपसे कि तो फंडामेंटली प्रॉब्लम ये है कि तीन वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट एक पॉइंट निकालना है. क्या कहते हैं उस पॉइंट को? सर्कमसेंटर. तो यूनिक पॉइंट होगा, मतलब आंसर एक होगा इसका. तो अगर हमसे पूछ दिया कि कितने कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सैटिस्फाई करेंगे तो आंसर विल बी वन. क्यों? बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं वो ओरिजिन वन और आयोटा से इक्विडिस्टेंट है. और इन तीन पॉइंट से एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर इक्विडिस्टेंट आएगा बिकॉज ट्रायंगल का सर्कम सेंटर यूनिक होता है. आप चाहते हैं तो वो पॉइंट भी बता देंगे. क्यों? बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है. सर्कम सेंटर मस्ट लाई ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज. तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा. नहीं हो जाएगा ऑफकोर्स. एंड वी आर डन. चलिए, आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम. इनफैक्ट ये प्रॉब्लम कब की खत्म हो गई थी? मैं आपको रिलेटेड लोकस की प्रॉब्लम बता रहा था. ग्रेट, मूविंग ऑन. चलिए, ये प्रॉब्लम 2016 की है. अब कुछ कुछ पूछा गया है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉन जीरो एंड ब्लॉक. तो क्या आ जाएगा? एंड दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, सो बेयर विद मी. आखिरी प्रॉब्लम है, सुन लीजिए इसको. सो z इज 1 प्लस a प्लस r b, राइट. कुछ कुछ बोला जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में. दिस इज वेयर आई विल पॉज एंड आस्क यू कि आप ऐसे देख के कुछ कुछ ऑप्शन बता सकते हैं क्या होगा. जैसे मुझे सिक्योरिटी तो ऐसे ही दिखता है यार कि हो जाएगा. कैसे? सोचो ना, अगर b जीरो हो गया तो z क्या 1 बाई ए हो जाएगा? क्या प्योरली रियल हो गया? और प्योरली रियल क्या x एक्सिस हो गई? हो गया आंसर, आ गया, राइट. ओके, अब देखिए क्या है. y एक्सिस फॉर a जीरो, a जीरो कर दिया यहां पे. a अगर जीरो कर दिया तो आपको दिखता है ये आई बी टी बन जाएगा. आई बी टी मतलब प्योरली इमेजिनरी. तो प्योरली इमेजिनरी है तो फिर लोकस क्या आ जाएगा? वाई एक्सिस. ये तो बड़ा आसान था यार. इसमें इनफैक्ट नॉन करेक्ट इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो ये तो करेक्ट हो गया. इनकरेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, अब हम आ जाते हैं चैलेंजिंग पार्ट पे. बोला क्या है कि ए और बी पार्ट देखिए. और देखिए यहाँ पे मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा ट्रिक यूज करने वाले. ट्रिक कुछ नहीं यार. ऐसा ट्रिक बोलने से लगता है कि हमें कुछ डिसऑनेस्ट नहीं मेथड यूज करने वाला हूं टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर अस. दिस इज नॉट ट्रू. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट वी आर गोइंग टू बी इनजेनुअस इन आवर ऑब्जर्वेशन. हम ऑब्जर्व करने वाले हैं ऑप्शंस को एंड देन वी विल ड्रॉ आवर कंक्लूजन बेस्ड ऑन दोस ऑप्शंस, राइट. लुक, बोला गया है ए और बी ऑप्शंस दोनों में कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज 1 / 2a एंड रेडियस इज एक में दे रखा है 1 / 2a और दूसरे में दे रखा है माइनस 1 / 2a, राइट. अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अगर एक सर्कल का सेंटर 1 / 2a आना है, उसकी इक्वेशन कैसे आनी चाहिए? एक सर्कल का सेंटर अगर z नॉट है तो उसकी इक्वेशन कैसे आनी चाहिए? ये दिस टाइप हो, दिस टाइप हो, ये माइनस नहीं है.
दिस नॉट माइनस, तो मैंने गलत बोल दिया था, दिस इज नॉट माइनस, यहाँ पे माइनस थे टाइप हो, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। अपने आपसे पूछे कि इन दोनों ऑप्शंस में अगर सेंटर 1/2 दे रखा है और अगर आपके सर्कल का सेंटर z नॉट है तो सर्कल की इक्वेशन क्या ऐसी होनी चाहिए, राइट? तो आई बिलीव अगर इस सर्कल का सेंटर 1/2 है तो ऐसा कुछ आना चाहिए। तो ऐसा कुछ आने की कोशिश करते हैं, तुम क्या करते हैं, हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों साइड्स करो 1/a और bt माइनस 1/2। ऐसे मैं कहूंगा कि ये इतना मुश्किल नहीं था देखना, और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जाइए वापस से जेई मॉक 8 पेपर 2 प्रॉब्लम नंबर 13। मैंने भी वीडियो रिकॉर्ड किया है, ऐसी ही प्रॉब्लम की है वहां पे, और वहां पे मैंने बताया कि क्यों ये आर्गुमेंट यूज करेंगे, राइट? मैंने तो यहाँ पे आपको बोल दिया कि ऑप्शन देख के देख लो यार ये करोगे, राइट? बट जो भी मैंने बोला कि जे एडवांस मॉक 8 पेपर 2 प्रॉब्लम नंबर 13 में एक बार जाइए देखिए, मैंने एक्सप्लेन किया पूरा आर्गुमेंट कि क्यों ये ऐसा कर सकते हैं, राइट? अभी तो हमने ऑप्शन देख के ऐसा कर लिया, बट कोई नहीं, नॉट अ बैड थिंग। देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बस 2a into a plus r to bt, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बस 2a minus a plus r to bt, राइट? अच्छा ऐसा करने से क्या हो जाएगा, बहुत कुछ अच्छा सा हो जाएगा यार, a minus r to bt upon a plus r to bt and 1/2a। आपको दिखता है अगर मॉडुलस ले लिया गया तो राइट हैंड साइड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ t, मतलब लोकस आ जाएगा, क्योंकि लोकस लाने के लिए आपको वेरिएबल ही तो एलिमिनेट करना होता है। और आप अग्री करते हैं कि a माइनस आयोटा बीटी का मॉड इज एज गुड एज a प्लस आयोटा बीटी का मॉड, राइट? मॉड ले लिया दोनों साइड्स, मॉड ऑफ 2a, मॉड ऑफ a माइनस आयोटा बीटी अपॉन मॉड ऑफ a प्लस आयोटा बीटी, और ये एक रेशियो 1 है। आपको दिखता है आई थिंक वी आर डन, आपको दिखता है एक सर्कल आ गया सर्कल, कंपेयर करो इसको मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू r से, सर्कल आ गया, सेंटर क्या है इसका 1/2a, 0, रेडियस क्या है 1/2a, राइट? मॉड ऑफ 1/2a इनफैक्ट। अब a अगर पॉजिटिव है, माय बैड, अगर a पॉजिटिव है, सो अगर a पॉजिटिव है तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2a, और अगर a नेगेटिव है तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2a, राइट? तो सेंटर विल बी 1/2a एंड रेडियस विल बी 1/2a व्हेन a इज पॉजिटिव, और जब a नेगेटिव होगा तो ये आपका सेंटर आ जाएगा। सो दिस आर करेक्ट, राइट? आर वी डन, दोनों ऑप्शंस आ गए, ओके, ऑलराइट। सो आई एम होपिंग दैट दिस डिवीजन सेशन वाज हेल्पफुल, और एटलीस्ट आई एम होपिंग सो। हाउ टू यूटिलाइज दिस, जस्ट टू कंक्लूड, यूटिलाइज कैसे करेंगे? लुक, if I have spent time pondering over the duration of this class and the questions to be collected, so can we can comprehensively cater to all the sections of complex number, because complex number happens to be very large and extensive. Sometimes main aapko bataunga that it was quite an exercise for me to be able to collect all those problems which can encompass all the ideas involved in this chapter. ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था इतने टाइम में करना, राइट? तो अगर मैंने टाइम इतना इन्वेस्ट किया है ये लेक्चर बनाने में कि ये प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम में ये नहीं हो रहा यार, तो फिर ये प्रॉब्लम करो, है ना? तो आई एम अस्यूमिंग कि आप इसको, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉब्लम है तो आप इस लेक्चर को इसे रिवाइज कर देंगे, इज दैट ओके? ग्रेट, सो दिस इज द पॉइंट वेयर आई विल कॉल ऑफ दिस रिकॉर्डिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर and bye.